Hi, good evening, one and all present over here. I hope that you all are safe from COVID situation. I am requesting all to please do not raise your hand as we are going to take all the questions in last 15 to 20 minute after the completion of the session. तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपके जो भी क्वेश्चन है वो खाली नोट डाउन कर लीजिए, हम लास्ट में उसके ऊपर डिस्कशन जरूर करेंगे. यस, हाई गुड इवनिंग वन एंड ऑल प्रेजेंट ओवर हियर. जस्ट अ मोमेंट, आई होप दैट यू ऑल आर सेफ फ्रॉम कोविड सिचुएशन. आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल टू प्लीज डू नॉट रेज योर हैंड एज वी आर. ओके फ्रेंड्स, सो माई सेल्फ अमित मुलानी एंड प्रोफेशनली आई एम एन इंजीनियर, बट पिछले 7 सालों से मैं एक्सपोर्ट के बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ हूँ एंड मेरी कंपनी का नाम है एटलांटिको इंटरनेशनल, जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं. हम एक मिशन चला रहे हैं जिसका नाम है भारत उड़ान मिशन, और जिसके द्वारा हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की इंफॉर्मेशन जो है वो लोगों तक पहुँचाने का काम भी करते हैं. तो ये मेरी जर्नी रही है. आई वॉज प्रोफेसर अर्लियर इन इंजीनियरिंग कॉलेज फॉर 7 ईयर एंड पिछले 7 सालों से मैं एक्सपोर्ट के बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ स्पेसिफिकली. तो ये मेरी प्रोफाइल है, मैं सूरत से हूँ, सूरत गुजरात से, एंड आज आपके साथ जुड़ा हूँ एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक को लेके जिसका नाम है अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन एक्सपोर्ट इन कैनेडा. ओके, सो आई एम वेलकमिंग यू ऑल इन दिस ब्यूटीफुल सेशन, ब्यूटीफुल इवनिंग, एंड इन बिहाफ ऑफ भारत उड़ान मिशन मैं आप सब सबका यहाँ पे स्वागत करता हूँ. आज का हमारा टॉपिक एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज इन कैनेडा. आई नो दैट कि बहुत सारे लोग जो है वो आज हमारे साथ जुड़े हैं. मोर देन 321 पीपल आई कैन सी हियर एंड इट इज टू मच. सो थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस वेबिनार इन दिस लार्ज क्वांटिटी. एंड डेफिनेटली जो भी आज आप अपेक्षा लेके आए हैं वो मैं ट्राई करूंगा कि फुलफिल कर पाऊँ. ओके, तो दोस्तों ये वेबिनार जो आज हमने कंडक्ट करना है उसके अंदर खास तौर पे मैं जानता हूँ कि यहाँ पर जो ज्वाइन होने वाले लोग हैं उसमें से बहुत सारे लोगों के रिलेटिव्स कनाडा के अंदर होंगे, बहुत सारे लोग कनाडा से भी शायद यहाँ से ज्वाइन कर चुके हैं वेबिनार के अंदर. बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी खुद की कोई प्रोडक्ट है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, वो अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं. देयर आर सेवरल जो एक मर्चेंडाइज एक्सपोर्टर के तौर पे है. एक और बात मैं आपको बता दूं कि शायद हो सकता है कि आप हिंदी ना जानते हो, यू आर नॉट नोइंग हिंदी परफेक्टली, बट वी हैव टू ब्रिंग दिस वेबिनार विथ हिंदी ओनली बिकॉज देयर आर सेवरल पीपल जो ओनली हिंदी जानते हैं. सो द पीपीटी इज इन इंग्लिश ओनली, सो डेफिनेटली आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे यू विल डेफिनेटली फाइंड आउट द वर्दी कंटेंट. या ओके, सो जैसे मैंने बताया आपको कि उस तरह से कि बहुत सारे लोग जो है आज वो अलग अलग पर्पज से जुड़े होंगे, और मैं जानता हूं कि आपका जो भी पर्पज होगा डेफिनेटली उस पर्पज को मैं कंप्लीटली सेटिस्फाइड ना कर पाऊँ शायद, बट मैं मेरी ट्राई कर रहा हूँ कंप्लीटली कि आपको सेटिस्फाई कर पाऊँ वो कंटेंट के साथ जो आपको चाहिए. बट हाँ, अगर कहीं पर भी मैं कुछ अगर मैं मिस कर जाता हूँ तो आप मुझे पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी. तो डेफिनेटली हम बहुत सारे टॉपिक्स कवर करना चाहते हैं लेकिन वेबिनार का एक टाइम होता है, तो अगले आने वाले 1.5 आवर के लिए हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे. जब हम बात करते हैं कैनेडा को, हम जब कैनेडा को देख रहे हैं एक बिग अपॉर्चुनिटी के तौर पर. यस, तो डेफिनेटली देर आर सेवरल थिंग्स वी विल गोइंग टू बी डिस्कस, एंड जो भी हम आगे आने वाले वेबिनार के डिस्कस करने वाले हैं अंदर टॉपिक्स उसके बारे में मैं थोड़ा आपको ब्रीफिंग कर दूं. आज के हमारे वेबिनार के ये टॉपिक्स है जिसमें सबसे पहले कनाडा हमने क्यों चूज किया हुआ है एज अ टॉपिक, सेकेंडली बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट कनाडा, मेन पोर्ट कौन से है, इंडिया का एक्सपोर्ट कनाडा के अंदर कितना है, फोकस एक्सपोर्ट, उसके अलावा फोकस मार्केट और फोकस सेक्टर, फिर चाइना का एक्सपोर्ट कितना है और हमारे पास उसके सामने कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, इंडिया का इम्पोर्ट कितना कनाडा से हो रहा है राइट नाउ, कुछ हेल्पफुल ऐसी बॉडीज जो आपको आगे जाके ये बिजनेस के अंदर जब कनाडा के साथ आप बिजनेस सेटअप कर रहे हैं तो आपको हेल्पफुल होगी, उसके अलावा कॉम्प्लायंसेस, ट्रेड एग्रीमेंट, रिसर्च पेपर, एंड लास्ट में हम लेंगे क्वेश्चन एंड आंसर. तो डेफिनेटली आप हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए. अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज नोट इट डाउन राइट नाउ एंड डेफिनेटली वी विल डिस्कस अबाउट इट. यस, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वाई कैनेडा, कैनेडा क्यों और पर्टिकुलरली हमने ये कंट्री क्यों चूज किया हुआ है. यस, तो देर आर सेवरल टॉपिक्स जिसकी बदौलत ये कनाडा के ऊपर आज हमने वेबिनार करने का सोचा है, जिसमें सबसे पहला है अ ग्रोइंग एंड स्टेबल इकोनॉमी. ग्रोइंग एंड स्टेबल इकोनॉमी का मतलब होता है कंटिन्यूअसली जिसकी पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, एंड दूसरा जो कंट्री स्टेबल इकोनॉमी अपने मतलब स्टेबल इकोनॉमी जिसके पास है.
तो स्टेबल इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि ये ऐसा कंट्री है जिनके अंदर बैंक से लेके इनका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो बहुत ही परफेक्ट लेवल पे है और कोई भी क्लमसीनेस कोई भी बिजनेस के तौर पे वहां पे नहीं है। तो ये क्यों नहीं है कैसे नहीं है इसके बारे में जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको और भी चीजें समझ में आती जाएगी। बट यस, ग्रोइंग एंड स्टेबल इकोनॉमी है तो हमारे लिए बिजनेस करना ईजी हो जाता है। शायद जो भी बिजनेस के अंदर पेमेंट टर्म या तो जो इनको टर्म के लेवल पे जो तकलीफ होती है या तो जो प्रॉब्लम्स हम चैलेंजेस फेस करते हैं वो यहाँ पे नहीं मिलेगी आपको। सेकंड नंबर पे सोशल कनेक्शन टू द यूएसए, तो बट ऑब्वियस है कि ये कंट्री यूएसए से कनेक्टेड है एंड उसका नेबर कंट्री यूएसए है तो डेफिनेटली हमारे लिए एक दरवाजे ओपन हो जाते हैं यूएसए के लिए। अगर आप कैनेडा के अंदर काम कर रहे हैं और कैनेडा में आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी प्रोडक्ट के लिए यूएस के जो दरवाजे हैं वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगे। हालांकि आप सब जानते हैं कि यूएस के अंदर एक्सपोर्ट करना ये लिटिल बिट चैलेंजिंग है बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट टाइम ऑफ द कॉम्प्लायंसेज एंड एटसेट्रा। तो डेफिनेटली अगर आप यूएसए को टारगेट मार्केट करना चाहते हैं और इजीली वहां पे आप अपनी प्रोडक्ट को प्रोपोगेट नहीं कर सकते हैं तो आपके लिए कनाडा जो है वो एक बहुत अच्छा गेटवे हो सकता है। 550 पोर्ट्स जिसके अंदर आईसीडी यानी कि इनलैंड कंटेनर डेपो और उसके अलावा मेन पोर्ट्स आ जाते हैं, तो 550 पोर्ट्स है इस कंट्री में और 18 एयरपोर्ट्स है जिसके अंदर 9 एयरपोर्ट्स जो है वो कार्गो एयरपोर्ट्स है। तो बट ऑब्वियस है कि आपका गुड्स चाहे आप बाई सी भेजे या बाई एयर भेजे ये बहुत ही प्रिफरेबली वहां पे पहुंचता है। देर आर सेवरल एयरलाइन एंड शिपिंग लाइन जो इसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारा सर्विसेज देते हैं तो इट इज क्वाइट इजी टू रीच टू द कैनेडा एंड कैनेडियन पोर्ट। इसका मतलब आपका जो गुड्स है उसको बेचना आपके लिए इजी हो जाता है। ये सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है मल्टीकल्चरलिज्म। सबसे बड़ी बात यह है कि कैनेडा का जो उद्भव हुआ है वही पूरा माइग्रेंट से हुआ है। तो मतलब कुछ अमेरिकन ने कैनेडा में जाके ये कंट्री को सेटअप किया, बहुत सालों से वो आजाद है और उसके बाद आप सब जानते हैं कि जितने उनके पास रिसोर्सेस है और जितनी अपॉर्चुनिटीज है उसके सामने उतना पब्लिक नहीं है तो दे आर इन्वाइटिंग पीपल्स ऑफ फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आप सब जानते हैं कि इंडियंस की बहुत बड़ी संख्या वहां पे है एंड आने वाले टाइम में जो भी उनका पॉपुलेशन बढ़ेगा उसमें मल्टी कल्चर आपको जरूर दिखेगा और इसकी बदौलत कोई एक कल्चर में ये ढला हुआ कंट्री नहीं है। तो बट ऑब्वियस है कि अगर आप इंडियन कल्चर ले ले या तो दुनिया का और कोई कल्चर ले ले तो आपको सारे कल्चर वहां पे मिलते हैं और इसमें अपॉर्चुनिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। एक्सेस टू द लेटिन अमेरिका, यहां से लेटिन अमेरिकन कंट्री भी बहुत नजदीक होते हैं जैसे कि अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे, चिली। तो डेफिनेटली वहां टोटल आई थिंक मेरे ख्याल से 25-26 कंट्रीज है तो इन सबका भी एक्सेस जो है वो आपको कहीं ना कहीं मिल जाता है अगर एक बार कैनेडा का एक्सेस आपको मिलना चालू हो जाता है। लोअर कॉर्पोरेट टैक्सेस, अगर आप कनाडा के अंदर बिजनेस करना चाहते हैं, मान लीजिए आपका कोई पार्टनर वहां पे सेटअप करना चाहते हैं तो भी ये पॉसिबल है बिकॉज इनिशियल फेज पे जो भी टैक्सेस वगैरह सब है वो लोअर है। और अल्टीमेटली आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल द पार्टिसिपेंट दैट कि प्लीज डू नॉट रेज योर हैंड बिकॉज आपके क्वेश्चन में बीच में ले नहीं पाऊंगा एंड कुछ लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं रिमोट कंट्रोल देने की तो बट ऑब्वियस प्लीज डू नॉट टच द स्क्रीन। अल्टीमेटली आपको मुझे सुनना है और देखना है तो आप अपना जो स्क्रीन है उसको स्टेडी कर दीजिए। ओके, तो लोअर कॉर्पोरेट टैक्सेस की बदौलत आप अपना जो बिजनेस है वो भी वहां पे अच्छे से सेटअप कर सकते हैं और इनिशियल फेज पे जब आप स्टार्टअप करेंगे तो बहुत कम पैसों की लागत में आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग रिलेशन विथ इंडिया, एज यू ऑल आर नोइंग दैट कि हमारे इंडिया से बहुत सारी ऐसे लोग हैं जो वहाँ के पर्टिकुलरली गवर्नमेंट के अंदर सेटअप हुए हुए हैं और गवर्नमेंट के अंदर कहीं ना कहीं वो सिलेक्टेड भी हुए हैं, यस इलेक्ट भी हुए हैं। तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं हमको बेनिफिट मिल सकता है बिकॉज जब हमारी लार्ज कम्युनिटी वहाँ पे अवेलेबल है तो इन फ्यूचर देर आर सेवरल पीपल जो आपको यानी कि इंडिया को प्रेफरेंस दे सकते हैं प्रोडक्ट के लिए। एंड स्किल्ड लेबर फोर्स, बट ऑब्वियस है कि अगर कनाडा की टोटल हम पॉपुलेशन की बात करें तो उसमें 25-54 ईयर की एज के बीच में 45% से ज्यादा लोग हैं तो आप समझ सकते हैं कि स्किल्ड लेबर फोर्स है और जितने भी लोग वो माइग्रेंट होकर यहाँ जाते हैं उसमें भी ज्यादातर लोग जो है वो स्किल्ड लेबर है। यस, तो डेफिनेटली ये कंट्री के अंदर अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है एंड इन फ्यूचर इनका पॉपुलेशन जो भी बढ़ रहा है वो इमेंस लेवल पे बढ़ेगा लेकिन उसमें ज्यादातर जो है वो माइग्रेंट्स होंगे। तो डेफिनेटली स्किल लेबर आएंगे जब वो लोग पैसा कमाएंगे और उसका जब वेल बीइंगनेस होगा तो उसका जो परचेसिंग पावर है वो भी बढ़ेगा एंड परचेसिंग पावर बढ़ेगा तो डेफिनेटली अलग अलग प्रोडक्ट जो इम्पोर्ट हो रही है उसमें और बढ़ोतरी आएगी। यस, तो ये कुछ बेसिक थिंग्स थी कि क्यों आज हमने कनाडा को सिलेक्ट किया हुआ है। अब हम बात करते हैं नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज की। तो दोस्तों ये सारे के सारे नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज है जो कनाडा के नेबर्स भी आप बोल सकते हैं जिसमें सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हम यूएसए को करते हैं। सेकंड नंबर पे हमारा सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट मेक्सिको को है नॉर्थ अमेरिकन में एंड द थर्ड नंबर पे आता है कनाडा। तो डेफिनेटली हमारे लिए ये एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है तो इसलिए भी आज हमने कनाडा को सिलेक्ट किया हुआ है।
आगे आने वाले टाइम में हम और भी कंट्रीज लेंगे, लेकिन स्पेसिफिकली आज हम बात करेंगे कि कनाडा के अंदर किस तरह की अपॉर्चुनिटीज हम देख सकते हैं। यस, चलिए कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के ऊपर बात कर लेते हैं कि कनाडा जो है वो बेसिकली किस तरह से डेवलप हुआ है और उसका जो भी जियोग्राफिकल एंड डेमोग्राफिकल पैरामीटर्स है वो क्या है। तो कनाडा इंडिपेंडेंट हुआ 1867 में, तो बट ऑब्वियस है कि वो बहुत सालों से इंडिपेंडेंट है, तो डेवलप भी है और प्रॉपर डेवलप कंट्री है। कॉमन लैंग्वेज वहाँ पे इंग्लिश एंड फ्रेंच है। डेफिनेटली बहुत सारे लोग जो माइग्रेंट होकर वहाँ पे आए हैं वो ज़्यादातर इंग्लिश बोलते हैं। जिन लोगों ने सेटअप किया था कनाडा कनाडा के अंदर इनिशियल फेज पे, वो कुछ फ्रेंच लोग थे। यस, टोटल एरिया की बात करें, हाँ, कॉमन लैंग्वेज के अगर हम पैरामीटर को फोकस करें तो डेफिनेटली कन्वर्सेशन जो आपका होगा वो बहुत इजी हो जाएगा, बिकॉज ऑल द पीपल्स आर नोइंग इंग्लिश प्रिफरेबली, तो ये इतना डिफिकल्ट नहीं है किसी के साथ बातचीत करना है तो टॉक करना है। ओके, टोटल एरिया अगर हम बात करें तो 1998 लाख स्क्वायर मीटर एरिया है। कहीं ना कहीं इंडिया से 5-6 गुना ज़्यादा एरिया है और उसकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है, तो बहुत सारा ऐसा ऐसा अनटैप्ड एरिया है जिसके अंदर अपॉर्चुनिटीज जो है वो देख सकते हैं। और फ्यूचर के अंदर वहाँ पे जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा और डेफिनेटली जब उनका इम्पोर्ट की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो वो इंडिया को फोकस करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं पॉपुलेशन के बारे में, तो 3.76 करोड़ की उनकी पॉपुलेशन है और एज यू ऑल आर नोइंग दैट कि इंडिया के अंदर जो टोटल पॉपुलेशन 138 करोड़ है, तो पॉपुलेशन के मामले में तो वो हमसे बहुत पीछे है, लेकिन डेफिनेटली कुछ और मामलों में बहुत आगे है। पॉपुलेशन ग्रोथ की अगर हम बात करें तो दोस्तों 1.5% पर एनम उनका पॉपुलेशन ग्रोथ है और इसमें ज़्यादातर माइग्रेंट्स है, तो न्यू इन्फंट से ज़्यादा माइग्रेंट्स है। और डेफिनेटली कैनेडा जो है वो एक ओपन कंट्री है माइग्रेंट्स के लिए और वो चाहते हैं कि वर्ल्ड वाइड पीपल जो है वो यहाँ पे आए और स्किल लेवल को इम्पोर्ट करके, या तो स्किल लेवल को हम माइग्रेंट करके उनको परमानेंट रेसिडेंस दे के इंडिया को सॉरी कैनेडा को डेवलप करिए। तो उनका पॉलिसी कंप्लीटली ओपन है। रिलीजन की बात करें तो 61% क्रिश्चियन है एंड बाकी 39% में बाकी के सारे अलग अलग धर्म के लोग वहाँ पे हैं, तो डेफिनेटली ये धीरे धीरे जो बाकी की कम्युनिटी है वो बढ़ रही है और जिसका बेनिफिट जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया को अगले आने वाले टाइम में एक्सपोर्ट भी होगा। विशाल जी, मैं आपको प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप रिमोट कंट्रोल के बटन को प्रेस मत करिए, बिकॉज कहीं ना कहीं वो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट वन इज जीडीपी। दोस्तों जीडीपी की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली इंडिया से उसका जीडीपी कहीं ना कहीं आधा है। हमारा जीडीपी 2.87 लाख करोड़ है, बट उसके सामने हमारा पॉपुलेशन भी इतना है, तो इसमें कोई खुश होने वाली बात नहीं है। वो 3-3.5 करोड़ की पॉपुलेशन में उनका जीडीपी 1,74,000 करोड़। यस, पर कैपिटा इनकम में वो हमसे बहुत आगे है दोस्तों। इंडिया का पर कैपिटा इनकम 1,35,000 रुपीज है, जबकि उनका पर कैपिटा इनकम पर पर्सन 37 लाख है। मतलब ये कंट्री का परचेज पावर बहुत ही अच्छा है और डेफिनेटली अगर आपकी प्रोडक्ट सुपीरियर क्वालिटी की रही तो आप समझिए कि ये मार्केट के अंदर आपकी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए उनको कोई तकलीफ नहीं है, बिकॉज दे आर अर्निंग सो मच एंड सो दे आर बाइंग बट ऑब्वियस क्वालिटी एंड वी कैन से कोस्टलियर थिंग्स। या अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो दोस्तों ऑलमोस्ट विंटर ही आप समझ लीजिए अगर इंडिया के वेदर के सामने देखने जाए, बट अगर विंटर की बात करें तो जनवरी टू जून 3-3.9 to -12.5 डिग्री उनका टेम्परेचर होता है एंड समर के अंदर जुलाई दिसंबर लागू होता है जहाँ पे 14 डिग्री to 23 डिग्री उनका टेम्परेचर होता है। हालांकि ये हम यहाँ पे फील करते हैं विंटर के अंदर। यस, तो डेफिनेटली ये कंट्री के अंदर जो प्रॉपरली जो उसका क्लाइमेट है वो ठंडा ही है, तो आप चाहे कोई भी सिटी में चले जाइए एक दो सिटी को छोड़ के, अदरवाइज यू विल फाइंड आउट दैट कंप्लीटली कोल्ड एटमोसफियर। यस, एंड इसीलिए यहाँ पे पर्टिकुलरली वेजिटेबल और फ्रूट की जो प्रोडक्ट होती है ना, आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग प्लीज डू नॉट रेज योर हैंड एवरी वन, प्लीज आपके क्वेश्चन में ले नहीं पाऊंगा, तो आप अगर बीच में पूछना भी चाहेंगे तो आप पूछ नहीं सकते, ठीक है, तो प्लीज आप अपने हैंड रेज मत करिए। ओके, थैंक यू। ओके, तो बात कर रहे थे हम क्लाइमेट की, तो वहां पे इतना सारा वेजिटेबल और फूड प्रोडक्ट तैयार नहीं होता है, तो ये नेट इम्पोर्टर है दोस्तों, नेट इम्पोर्टर फूड प्रोडक्ट का, ज्यादातर फूड प्रोडक्ट का। यस, नेबर कंट्री की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उनका नेबर कंट्री है और ये सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है कनाडा का। करेंसी की बात करें तो कैनेडियन डॉलर उनका मेन करेंसी है और आज का अगर रेट हम गिने तो 59 रुपीज के आजू बाजू होता है। पॉपुलेशन डिवाइडेड में 82% पीपल अर्बन एरिया में रहते हैं एंड 18% पीपल रूरल में। तो अगर आप अर्बन एरिया को टारगेट करते हैं, ज्यादातर हमारा जो एक्सपोर्ट का टारगेट होता है वो अर्बन एरिया ही होता है, तो डेफिनेटली हमारे लिए ये कंट्री उस तरह से भी बहुत अपॉर्चुनिटी वाइज अच्छा है और टारगेट करने जैसा है, बिकॉज उसका ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो अर्बन में है, तो डेफिनेटली वहां से
जो सोर्सिंग करना हो या तो यहाँ से हमको एक्सपोर्ट करना हो, तो अर्बन के अंदर आपको सारी फैसिलिटी मिल जाती है इजीली। लेबर फोर्स की बात करें तो दोस्तों एग्रीकल्चर में ओनली 8% लोग जुड़े हुए हैं, जबकि इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज में गिने तो 81% लोग जुड़े हुए हैं एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर 11%। हालांकि कनाडा के अंदर इतना सारा कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग अभी वो करते हैं वो जनरल जो प्रोडक्ट है उसका, और उसमें खास तौर पर पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का वहाँ पे बहुत बड़ा एक्सपोर्ट है पेट्रोलियम का कनाडा से, तो डेफिनेटली ज्यादातर लोग जो जुड़े हुए हैं वो पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं। इंडियंस पॉपुलेशन इन कनाडा की बात करें, जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है टू बी अंडरस्टूड, इट इज 18 लाख एंड इट इज टोटल 4% ऑफ कैनेडियन पॉपुलेशन। तो बट ऑब्वियस है, जब इंडियंस इतनी सारी मात्रा में वहां पे हैं तो हमारे लिए कहीं ना कहीं ये वो लोग हैं जो ट्रेड एजेंट के तौर पे या तो बिजनेस पार्टनर के तौर पे बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। एंड बट ऑब्वियस वो प्रॉपर इंडियंस हैं, तो दे ऑल्सो वॉन्ट दैट कि भाई हम ज्यादा से ज्यादा जो इंडियन प्रोडक्ट है उसको इम्पोर्ट करें। यस, तो हमारे लिए ये बढ़ता ही जा रहा है, और आप सब जानते हैं एवरी ईयर कैनेडा के लिए बहुत सारी एप्लीकेशन जाती है एंड पीपल्स आर बेसिकली वॉन्ट्स टू लिव इन कैनेडा, वहाँ पे पढ़ना भी चाहते हैं, तो स्टूडेंट बेस पे और परमानेंट रेसिडेंसी के बेस पे भी बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं। यस, लिटरेसी रेट बात करें दोस्तों तो 99% लिटरेसी है। इट इज ऑल्सो टू गुड फॉर अस कि आप किसी को भी कनेक्ट कर ले, ही इज नोइंग द परफेक्ट लैंग्वेज एंड ऑल्सो वो सब जानता है, उसके उसको सारी इंफॉर्मेशन है, और बट ऑब्वियस है कि आपके लिए कन्वर्सेशन ईजी हो जाएगा, और कॉन्वर्सेशन ईजी हो जाएगा तो आप आराम से बिजनेस जो है वो कर पाएंगे। यस, 24th richest country in the world, अगर हम GDP की बात करें, पर्टिकुलरली पर पर्सन जो GDP है उनकी बात करें, तो परचेसिंग पावर के तौर पे तो ये 24th richest country है। तो एक्सपेंडिचर उनका बहुत अच्छा है, मतलब एक्सपेंस अच्छा करते हैं, और अल्टीमेटली जब वो एक्सपेंड अच्छा करते हैं तो डेफिनेटली प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटेटिव एंड अगर महंगा भी होगा तो वो परचेस करेंगे। वन ऑफ द हाईएस्ट ऑयल एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड, ये मैंने आपको बताया उनकी इकोनॉमी जनरली कहाँ से चलती है और इतना पैसा कहाँ से आता है। कनेक्टिविटी विद इंडिया बाई सी रूट एंड एयर रूट इज टू साउंड, क्योंकि आपको रेगुलर बेस पे यहाँ से शिप के थ्रू अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो बाई एयर करना है, तो रेगुलर बेस पे कनेक्टिविटी मिलती है इंडिया के मेन पोर्ट एंड एयरपोर्ट से, तो इट इज ऑल्सो टू गुड फॉर अस टू बी कनेक्ट विद वी कैन से कैनेडा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मेजर सिटीज विद द पॉपुलेशन दोस्तों, जिसके अंदर ये सारे कैनेडा के वो बड़े सिटीज हैं जिसके अंदर मेनली मैंने आपको बताया उस तरह से कि वहाँ का पॉपुलेशन जो बसता है, तो टोरंटो, मॉन्ट्रियल, कैलगरी, ओटावा, एडमोंटन, मिसिसागुआ, ये सारे वो कंट्री है, सॉरी ये सारे वो सिटीज है जिसके अंदर 26 लाख, 16 लाख, 10 लाख इस तरह का पॉपुलेशन है, और डेफिनेटली ये टारगेटेड हो सकता है हमारे लिए जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं। तो यस, तो ये सारी कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर करना जरूरी था, बिकॉज वी आर अंडरस्टैंडिंग वन कंट्री, तो हमको ये समझना जरूरी है कि वो कंट्री का कल्चर क्या है और उनका जो भी बेसिक फंडामेंटल्स है वो क्या है, वो किस तौर पे मतलब जो बिजनेस है वो करते हैं एटसेट्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो ये बहुत जानना जरूरी होता है। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन वी कैन से ह्यूज क्वांटिटी राइट नाउ। आई एम सेइंग दैट कि 500 पार्टिसिपेंट्स ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जुड़ना चाहते हैं, बट आई एम वेरी सॉरी, वी हैव द एक्सेस ऑफ 500 पीपल्स ओनली, बट थैंक यू सो मच अगेन। सो दोस्तों अगर इंटरनेट यूजर्स की हम बात करें तो ये पैरामीटर इसलिए बहुत जरूरी है समझना कि जिस कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर होंगे ना, उस कंट्री में आप सोशल मीडिया मार्केटिंग या तो इंटरनेट मार्केटिंग जो है बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। तो कैनेडा इज वन ऑफ द हाईएस्ट इंटरनेट यूजर इन द वर्ल्ड, एंड डेफिनेटली उनकी अगर पॉपुलेशन की बात करें तो आप देखिए इंटरनेट यूजर टोटल जो पॉपुलेशन है कैनेडा की उसमें से 94% है। तो आप सोच सकते हैं कि ऑलमोस्ट पीपल्स आर यूजिंग द इंटरनेट, और उसके अलावा अगर सोशल मीडिया की बात करें 85% पीपल्स आर कनेक्टिंग विद द सोशल मीडिया विद अदर प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक हो गया या तो इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया वगैरह, जब अगर अलग अलग लिंक्डइन हो गया वगैरह, सब सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो हमारे लिए ये बहुत पॉजिटिव है कि इतनी सारी क्वांटिटी में लोग जो है वो सोशल मीडिया से जुड़े हैं। आप अगर अपना मार्केटिंग सोशल मीडिया के थ्रू करते हैं तो डेफिनेटली यू कैन रीच टू द थाउजेंड ऑफ पीपल। या मोबाइल कनेक्शन की बात करें दोस्तों तो आप समझ सकते हैं 98% पीपल हैव द मोबाइल कनेक्शन, सो डेफिनेटली ऑलमोस्ट बस्ती के पास, पॉपुलेशन के पास मोबाइल है और दे आर एक्सेसिंग द इंटरनेट रेगुलरली, तो बट ऑब्वियस है कि हमारे लिए ये भी इजी हो जाता है कि हम उनको यहाँ से बैठे बैठे प्रॉपर मार्केटिंग कर पाए। यस, अब हम बात करते हैं मेन पोर्ट्स के बारे में दोस्तों। तो ये कैनेडा के कुछ मेन पोर्ट्स है, आप देख रहे हैं उस तरह से, वैनकूवर, मॉन्ट्रियल, प्रिंस रूपर्ट, हैलिफैक्स एंड सेंट जॉन। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मैप भी उसका रखा हुआ है, जैसे कि आपको पता चलेगा कि कुछ जो है वो वेस्टर्न कोस्ट पे है, कुछ ईस्टर्न कोस्ट पे है, एंड जो मेन दो पोर्ट है, एक वैनकूवर जो ईस्टर्न पोर्ट पे है और एक वेस्टर्न पोर्ट के ऊपर है,
जिसके अंदर मॉन्ट्रियल हो गया, क्यूबेक हो गया एंड हेलीफेक्स हो गया, दीज आर द बिग पोर्ट। यस, तो डेफिनेटली ऑल ओवर वर्ल्ड जितना भी गुड्स इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होता है वो ये पोर्ट से होता है, और आप देख सकते हैं कि ये सारे जो है वो दोनों एंड पे है, बिकॉज यहां से इन बिटवीन ये यूएसए के साथ कनेक्टेड है। यस ओके, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इंडियाज एक्सपोर्ट के बारे में। नाउ वी आर कमिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट एरिया टू बी फोकस्ड दैट। जब हम बात करते हैं इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट की कनाडा के अंदर, तो टोटल हमारा एक्सपोर्ट एवरी ईयर तकरीबन तकरीबन 20,000 करोड़ के आजू बाजू है। ये फिगर्स जो मैंने लिए हैं वो 2019-20 के हैं, मतलब फिस्कल ईयर जो 2019-20 उनके, तो उसके हिसाब से 20,214 करोड़ का इंडिया से टोटल एक्सपोर्ट है। और इंडिया जितने कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता है उनमें से ये 31st रैंक पे, मतलब इनसे ज्यादा एक्सपोर्ट हम 30 कंट्री को करते हैं, और 30 कंट्री को। यस, तो ये 31st रैंक पे है इंडियन एक्सपोर्ट के लिए हम अगर बात करें तो। अब हम बात करते हैं उन कॉमोडिटीज के बारे में जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होती है कनाडा के अंदर। तो डेफिनेटली जब आप ये कॉमोडिटी चेक करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि कौन सी ऐसी कॉमोडिटीज है जिसके ऊपर हम फोकस कर सकते हैं। यस, तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है नॉर्दर्न अमेरिकन कंट्री में, उसमें मैंने बताया उस तरह से ये 3rd नंबर पे है, और आप देख सकते हैं कि यूएसए के साथ हम 4 लाख करोड़ के आजू बाजू का एक्सपोर्ट करते हैं, मैक्सिको के साथ हमारा 25,000 करोड़ का एक्सपोर्ट है, एंड उसके अलावा ये छोटे छोटे कंट्रीज है जिनके साथ भी हमारा 1,000 करोड़ के आजू बाजू का एक्सपोर्ट है। तो बाजू में मैंने एक्सपोर्ट ग्रोथ भी दिया हुआ है कि पॉजिटिव है क्या नेगेटिव, और बहुत ही आप पॉजिटिव फिगर्स देख रहे हैं जिसके अंदर हम बहुत सारे कंट्रीज को टैप भी कर सकते हैं। यस, तो डेफिनेटली इट इज द वन ऑफ द बेस्ट कंपनी सॉरी कंट्री टू बी फोकस्ड। एंड नाउ वी आर कमिंग टू द हाईएस्ट एक्सपोर्टेड कमोडिटीज इन 2019-20। दोस्तों यहाँ पे मैंने वो चैप्टर लिए है, दीज आर द चैप्टर्स। हाँ, जो ये आप एचएस कोड देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली चैप्टर्स है, ये ऐसे चैप्टर्स है जो स्पेसिफिकली यहाँ पे एक्सपोर्ट होते हैं और जो लार्ज क्वांटिटी में एक्सपोर्ट हम करते हैं। यस ऑलरेडी, और इसके बाजू में ये कॉमोडिटी दिया हुआ है, ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि क्योंकि आगे भी ये सेम तरीके से डेटा हम चेक करने वाले हैं। ये 2018-19 का डेटा है और ये 2019-20 का डेटा है। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि हाईएस्ट एक्सपोर्टेड कमोडिटी कौन सी है, इसके अंदर ग्रोथ पॉजिटिव है नेगेटिव है वो बात की बात है। सबसे पहले ये देखते हैं कि हाईएस्ट एक्सपोर्ट क्या होता है इंडिया से। सो आप देख सकते हैं सबसे पहले आर्टिकल ऑफ आयरन एंड स्टील, यानी कि आयरन एंड स्टील की प्रोडक्ट, उसमें बहुत सारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स आ जाती है जिसका तकरीबन एक्सपोर्ट ये फिगर्स लाख में है, तो डेफिनेटली इट इज 2600 करोड़ के आजू बाजू हमारा एक्सपोर्ट है। यस, मैं यहां पे दो चीजें आपको फोकस करना चाहूंगा आपके साथ। पहला तो ये जो ग्रीन में दिया है ये, एंड ये एक ये क्या बोलते हैं फ्लोरेंस कलर में दिया है। यस, तो जो ग्रीन में दिया हुआ है ना वो ऐसी कॉमोडिटीज है जो रेगुलर बेस पे एक्सपोर्ट होता है और उसके ऊपर आप जनरल फोकस कर सकते हैं, बिकॉज इट इज इम्पोर्टेड बाई कैनेडा मोस्टली। यस, बट उसके अलावा ये कुछ ऐसी प्रोडक्ट है जिसके ऊपर मैंने ये फ्लोरेंस कलर यूज किया है जिसके अंदर हम बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं फ्यूचर के अंदर। यस, तो आप देख सकते हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में हमारा तकरीबन 1900 करोड़ का एक्सपोर्ट है, ऑर्गेनिक केमिकल्स की बात करें तो 1300 करोड़ का, उसके अलावा नेचुरल एंड कल्चर फ्यूल्स वगैरह जो आते हैं मतलब डायमंड्स वगैरह, इसके अंदर हमारा 876 करोड़ का एक्सपोर्ट है, तकरीबन 900 करोड़। टेक्सटाइल में आप देखिए 62, 61 एंड 63, ये तीन चैप्टर को अगर आप इकट्ठा करते हैं तो 2000 करोड़ से ऊपर का हमारा एक्सपोर्ट है। एंड सो टेक्सटाइल प्रोडक्ट जिसके अंदर खासतौर पर अपेरल एंड वगैरह, जिसका भी एक बहुत बड़ा फोकस मार्केट है, और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा डेफिनेटली दे रिक्वायर्ड लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट। तो दोस्तों एक बात मैं और बता देना चाहूंगा कि बट ऑब्वियस है इंडिया इज वन ऑफ द नेट इम्पोर्टर, देर आर सेवरल प्रोडक्ट जो सॉरी कैनेडा, आई एम रियली सॉरी, कैनेडा एक ऐसा कंट्री है जो बहुत सारी प्रोडक्ट का नेट इम्पोर्टर है। और मैं आपको बताऊँ कि वो जितनी भी प्रोडक्ट यूज करते हैं उसमें से तकरीबन 75-80% प्रोडक्ट वो इम्पोर्ट करते हैं। सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर उसका अमेरिका है जो एवरी ईयर तकरीबन 14 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट करता है, और सेकेंड नंबर पे चाइना है जो एवरी ईयर 4.5 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट करता है, जिसके सामने हम ओनली 20,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बिग अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इनसाइड द कैनेडा। यस, तो डेफिनेटली ऐसी कौन सी कॉमोडिटीज है जिसके ऊपर फोकस कर सकते हैं इसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो मैं आपको कुछ कॉमोडिटी के बारे में सेपरेटली भी बताऊंगा। यस, उसके अलावा आप नीचे आए प्लास्टिक और प्लास्टिक की प्रोडक्ट को अगर हम देखें तो उसके अंदर भी हमारा 747 करोड़ का एक्सपोर्ट है। कॉफी टी एंड स्पाइसेस, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कॉमोडिटी टू बी फोकस्ड, बिकॉज इसमें राइट नाउ हम 281 करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अभी भी पेंडिंग है जिसको हम टैप कर सकते हैं। रेसिड्यू वेस्ट फ्रॉम द फूड इंडस्ट्रीज एंड प्रिपेयर फॉर द एनिमल फोडर, यानी कि जो यहाँ पे फूड इंडस्ट्रीज इंडिया के अंदर बहुत बड़ा है, तो जो रेसिड्यू निकलता है उसमें से हम जनरली जो एनिमल्स है उनके लिए फीडिंग के लिए मतलब खाना सब तैयार करते हैं। यस, खॉल जिसको बोलते हैं अल्टीमेटली,
तो ये जो फीडिंग के लिए फोडर होता है ना, वो तैयार करने के लिए भी अल्टीमेटली कनाडा बहुत सारा प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है, और इसका आप देखिए एक्सपोर्ट 232 करोड़ है। यस, तो दोस्तों जब मैं प्रोडक्ट की बात करता हूँ ना, तो हमेशा याद रखिए प्रोडक्ट मतलब ओनली फिनिश गुड नहीं है। जनरली हमारे दिमाग में ये होता है कि जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द फिनिश गुड ओनली। नो, अंडरस्टैंड कि प्रोडक्ट के अंदर तीन चीजें आती है स्पेसिफिकली। इसके डेप्थ में तो बहुत सारी चीजें, बट तीन मेनली। एक रॉ मटेरियल जो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए चाहिए, उसके अलावा प्रोडक्ट बन नहीं सकता। सेकेंड, सेमी फिनिश मटेरियल, यानी कि मान लीजिए मुझे कार तैयार करना हो, कार तो कार बनाने के लिए अल्टीमेटली मुझे क्या चाहिए होगा, उसका रॉ मटेरियल चाहिए होगा, यस, उसके पार्ट चाहिए होंगे। तो डेफिनेटली ये होता है सेमी फिनिश, जो सब इंपोर्ट किया जाता है और उसके बाद क्लबिंग करके एक प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। एंड द थर्ड वन इज फिनिश गुड। तो आप समझिए किसी भी प्रोडक्ट को चेक करने से पहले या तो सिलेक्ट करने से पहले आप ये भी स्टडी करिए कि अल्टीमेटली उनका जो इम्पोर्ट है, यहाँ पे मैं जो चैप्टर बता रहा हूँ, ये चैप्टर में उसका इम्पोर्ट सबसे ज्यादा किस कैटेगरी से है, यानी कि रॉ मटेरियल से है, सेमी फिनिश से है, या फिर पर्टिकुलरली फिनिश गुड से है। तो आपको इससे ये समझ में आएगा कि हम कौन सी प्रोडक्ट को फोकस कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली दोस्तों जितना फिनिश गुड का एक्सपोर्ट है उससे ज्यादा रॉ मटेरियल का होगा, बट ऑब्वियस बिकॉज विदाउट रॉ मटेरियल कोई भी प्रोडक्ट को तैयार नहीं कर सकते। यस, तो रॉ मटेरियल सबसे पहले आता है, उसके बाद फिनिश गुड आता है। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन जो है वो एक निजी एरिया है, बट जब उसको आप सिलेक्ट करते हैं तो उस वक्त अलग अलग पैरामीटर को ध्यान में रखिए, जिससे कि आप प्रॉपर प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके आगे बढ़ पाए। यस, जस्ट अ मोमेंट फ्रेंड्स। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जिसके अंदर और भी बहुत सारे एचएस कोड यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, 42, 16, 57 वगैरह। बट 57 नंबर का एचएस कोड है कारपेट एंड अदर टेक्सटाइल। तो आप सब जानते हैं कि इंडिया के अंदर कारपेट का बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग होता है, जो दो तरह से होता है, एक जो क्रोचेटेड होता है और दूसरा जो होता हैंडमेड होता है। तो आप सब जानते हैं कि हैंडमेड जो कारपेट है वो यूपी के अंदर बहुत ज्यादा बनाए जाते हैं, जो लोग अपने हाथों से जो बनाते हैं, यस, उसकी नॉर्मल जो मतलब सेटिंग आता है, इन्वेंटरी आती है उससे, और उसका बहुत बड़ा डिमांड वर्ल्ड वाइड है। तो आप समझ सकते हैं इवन यूपी से स्पेसिफिकली एक जिला है जहां से इसका बहुत बड़ा उत्पादन होता है और अल्टीमेटली वर्ल्ड वाइड इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। तो कारपेट की अगर हम बात करें तो न्यू डेवलपमेंट सिटीज एंड न्यू डेवलपमेंट एरिया कनाडा के अंदर बहुत सारे हैं, बिकॉज इतना सारा माइग्रेंट जब पीपल करते हैं तो उनको भी घर की रिक्वायरमेंट होती है। और आप सब जानते हैं, मैं इन छोटी छोटी बातों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप समझिए कि जब ये चीज़ों को आप समझेंगे ना, तभी जाके प्रोडक्ट की वैल्यू को समझ पाएंगे कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है। आप सब जानते हैं कि स्पेसिफिकली इतना ठंड जब पड़ता है तो दो तरह के रेमेडीज वो यूज़ कर सकते हैं। एक तो उसका फ्लोरिंग जो होता है वो या तो लकड़े का होता है या तो उसके ऊपर वो कारपेट बिछाते हैं। यस, क्योंकि ठंडा इतना है कि अगर आप डायरेक्टली टाइल्स बिछाएंगे, और टाइल्स मतलब अगर होगा डायरेक्टली, तो डेफिनेटली आप पैर भी नहीं रख पाएंगे, इतना ठंडा हो जाता है। तो बट ऑब्वियसली कारपेट और उसके रिगार्डिंग जो प्रोडक्ट है उनका भी ये बहुत बड़ा मार्केट है, और डेफिनेटली इंडिया उसका बहुत बड़ा प्रोड्यूसर भी है। तो आप इस प्रोडक्ट के लिए भी उसको फोकस कर सकते हैं। सो गाइस, दिस आर द मेनली एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट जो बहुत बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट होता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा उन प्रोडक्ट के बारे में जो प्रोडक्ट्स पॉजिटिव ग्रोथ में दिखे गए हैं पिछले 1 साल 2 साल के अंदर, जिसके अंदर सबसे ज्यादा पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिला है, जिसमें मिनरल्स की अगर हम बात करें तो स्पेसिफिकली मिनरल्स को आप जब एक्सपोर्ट करते हैं तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं इंडस्ट्री लेवल पर आता है, या तो आपके पास मान लीजिए कोई अगर ऐसी खाने हैं जिसके अंदर से सब मिनरल्स निकलते हैं तो आप उसको एक्सपोर्ट जरूर कर सकते हैं। तो इसका भी बहुत बड़ा एक्सपोर्ट में ग्रोथ दिखाई दे रहा है, तकरीबन ये आप देख सकते हैं कि 4060% उसका एक्सपोर्ट ग्रोथ है। बट मैं आपको ये प्रोडक्ट दिखाना चाहूंगा जो स्पेसिफिकली हम फोकस कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है सिरामिक प्रोडक्ट। दोस्तों सिरामिक प्रोडक्ट के लिए भी मैंने आपको जैसे आपको बताया ऑलरेडी कि न्यू माइग्रेंट के लिए मकान तैयार करना और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, तो उसके अंदर बेसिक जो कॉमोडिटीज रिक्वायर्ड होती है वो है सिरामिक प्रोडक्ट। तो सिरामिक प्रोडक्ट के अंदर भी आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर के अंदर 125% का इजाफा हुआ। इट मीन्स तकरीबन डेढ़ गुना। तो 58 करोड़ का लास्ट ईयर हमने एक्सपोर्ट किया, और इसके अंदर डेफिनेटली रिक्वायरमेंट जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ सिरामिक प्रोडक्ट। यस, जिसके अंदर टाइल्स हम दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, इवन चाइना से भी ज्यादा। तो डेफिनेटली ये वो प्रोडक्ट है जिनके अंदर हम एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों है नीटेड एंड क्रोचेटेड फैब्रिक, जो मैंने आपको बताया कपड़ा, बिकॉज बहुत सारी पॉपुलेशन जो है वो माइग्रेंट पॉपुलेशन है, तो उसका जो टेस्ट है वो हम समझ सकते हैं, और उसके टेस्ट के हिसाब से हम उनको ये सारी जो फैब्रिक की प्रोडक्ट्स है उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसका भी आप देखिए तकरीबन तकरीबन डेढ़ गुना एक्सपोर्ट बढ़ा हुआ है। तो अभी तो ओनली 95 लाख का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बट वी हैव द लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज। यस, इन नीटेड एंड क्रोचेटेड फैब्रिक्स, हाँ मैं खास तौर पर यहाँ पे फैब्रिक पे बात कर रहा हूँ। अपेरल के अंदर तो हम 2000 करोड़ का एक्सपोर्ट ऑलरेडी करते हैं, और उसमें भी बहुत अच्छा हमारे पास ग्रोथ रेट मिल सकता है।
डेयरी प्रोड्यूस के अंदर खासतौर पे बर्ड एग्स, नेचुरल हनी, एडिबल जो भी प्रिपरेशन होता है वो, एंड एनिमल ओरिजिन जो प्रोडक्ट्स है वो, उनका भी बहुत अच्छा एक्सपोर्ट देखने को मिला लास्ट ईयर, और 13 करोड़ से ऊपर का अभी एक्सपोर्ट हम ऑलरेडी कर रहे हैं। बेवरेज एंड स्पिरिट, ये हमारे लिए एक नया अपॉर्चुनिटी है एक्सपोर्ट के अंदर। आप सब जानते हैं कि इंडियन क्यूजिन जो है और इंडियन जो बेवरेजेस है वो डेफिनेटली वन ऑफ द गुड बेवरेजेस है। अगर उसके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाए और उनकी रिक्वायरमेंट को समझा जाए तो इसके अंदर भी बहुत बड़ा काम हम कर सकते हैं। आर्टिकल्स ऑफ आयरन एंड स्टील जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने बताया, उसके अलावा सॉप एंड ऑर्गेनिक सरफेस एक्टिव एजेंट, मतलब जो हाउस होल्ड के जो मतलब डिटर्जेंट वगैरह सब एजेंट्स होते हैं, जिसका भी बहुत बड़ा मार्केट जो है वो डेवलप हो सकता है। अभी हम 51 करोड़ का एक्सपोर्ट तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके अंदर आप देखिए लास्ट ईयर ग्रोथ हमको 35% मिला, तो आगे जाके उसमें बहुत अच्छा ग्रोथ मिलने की भी शक्यता है पूरे पूरी। यस, उसके अलावा मिसेलेनियस एडिबल प्रिपरेशन, पेपर एंड पेपर बोर्ड एंड आर्टिकल्स ऑफ पेपर खासतौर पर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है फोकस करने जैसा, जिसके अंदर हमारा लास्ट ईयर 86 करोड़ का एक्सपोर्ट था। दोस्तों इसके अंदर भी 18% का इजाफा हुआ है। आप देखिए यू ऑल आर नोइंग दैट कि जितनी भी नोइंग चैनल्स है, आप अगर मान लीजिए मैकडोनाल्ड है या तो फिर पिज्जा हट है या तो फिर मान लीजिए डोमिनोज है, ये सब बड़ी फूड चैनल्स है जो वर्ल्ड वाइड उनके एस्टैब्लिशमेंट्स है। यस, तो ये जो कंपनियां हैं ये जब कोई भी होम डिलीवरी करती है तो वो बॉक्स के अंदर पिज्जा वगैरह सब डिलीवरी करती है। यस, और वहां पे ये बहुत अच्छे से, ये ट्रेडिशन है कि लोग ऑनलाइन सब मंगवाते हैं। कोई अभी अभी पैंडेमिक के टाइम में तो खास, उसके पहले भी होटल में जाना इतना मतलब हाईफाई कल्चर नहीं है, मतलब हाईफाई मतलब होटल में जाके खाना खाए ऐसा कोई कल्चर नहीं है, बहुत कम है। बट हाँ, वो घर पे फूड मंगवा के खाना ज्यादा प्रीफर करते हैं बिकॉज ऑफ द टाइमिंग एंड एटसेट्रा। तो डेफिनेटली जो पैकेजिंग इंडस्ट्री है और जो प्रिपरेशन इंडस्ट्रीज है, ये खासतौर पर पेपर बोर्ड एंड कार्डबोर्ड की, यस, ये बहुत बड़ा है। और डेफिनेटली उनके वहां पे जितना भी गुड्स जो है वो यहाँ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता है, तो उसमें भी पैकेजिंग इंडस्ट्रीज का रोल बहुत बड़ा है। तो डेफिनेटली देर आर सेवरल प्रोडक्ट इन दिस चैप्टर कॉल्ड 48 नंबर चैप्टर, जिसमें हम यहाँ से पैकिंग मटेरियल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, रेडी पैकिंग मटेरियल जो फूड ग्रेड स्टैंडर्ड का होना चाहिए, उसकी जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वो रिसाइक्लेबल होना चाहिए, और उसके अलावा उनका जो साइज है वो प्रॉपर होना चाहिए। उसके अलावा OEM आप दे सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए डोमिनोज को अपना उसके ऊपर लोगो चाहिए तो आप वो प्रिपेयर करके दे सकते हैं, दिस काइंड ऑफ द वैकेंसी प्रिपरेशन। जब आप इस तरह की उनकी रिक्वायरमेंट को समअप करेंगे तो मुझे लगता है कि ये वाला जो एरिया है 48 नंबर का चैप्टर, इसके अंदर ग्रोथ हम बहुत अच्छा देख सकते हैं। और इंडिया इंडिया के अंदर जो भी ये पैकेजिंग इंडस्ट्री है वो बहुत अच्छे से डेवलप हो रही है, और डेफिनेटली आज के तौर पे अगर हम पैकेजिंग इंडस्ट्रीज को देखें तो इंडियन प्रोडक्ट का पैकेजिंग भी हम बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं डेवलप कंट्री के अंदर खासतौर पर। यस, तो दीज आर द प्रोडक्ट्स बेसिकली जो लास्ट ईयर के अंदर सबसे ज्यादा ग्रोथ में थी और जिसके अंदर हमको पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिला। यस, तो दिस कुड बी द प्रोडक्ट जिसके ऊपर हम फोकस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पे कुछ ऐसी प्रोडक्ट और ऐसे HS कोड सिलेक्ट किए जिसके अंदर हमको पॉजिटिव ग्रोथ मिला और ये हमारे लिए फोकस प्रोडक्ट के तौर पे बहुत अच्छे से हमको रेवेन्यू जनरेट करके दे सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया हुआ है चैप्टर नंबर 30। नाउ चैप्टर नंबर 30 इज रिप्रेजेंटिंग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, एंड आप देखिए 2015-16 से लेके 19-20 तक सब पॉजिटिव ग्रोथ में मिला है हमको। मतलब 2015-16 में हम 926 करोड़ का एक्सपोर्ट करते हैं, आज की डेट में हम बात करें लास्ट ईयर का तो 1924 करोड़ का एक्सपोर्ट है, मतलब तकरीबन 100% इसके अंदर इजाफा हुआ है। यस, तो डेफिनेटली अगर हम बात करें कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन से ऐसी प्रोडक्ट है जिसके अंदर हमारा सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट है, तो दीज आर द प्रोडक्ट जिसमें मैंने 8 डिजिट HS कोड दिया है, तो ये प्रॉपर प्रोडक्ट हो जाता है। जैसे कि एक तो हो गया मेडिसिन जो रिटेल के अंदर रखी जाती है, जिसका 691 करोड़ का एक्सपोर्ट था लास्ट ईयर। उसके अलावा अदर एंटी कैंसर ड्रग्स जिसका 166 करोड़ का एक्सपोर्ट था, अदर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स जिसका 110 करोड़ का एक्सपोर्ट था, एंड कॉन्ट्रासेप्टिव बेस्ड जो हॉर्मोन्स होते हैं उनका 45 करोड़ का एक्सपोर्ट था। तो इट इज अ फोकसेबल एरिया जो ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के अंदर मैंने 8 डिजिट के HS कोड दिया है, तो ये 8 डिजिट होता है वो फाइनल प्रोडक्ट होता है, तो आप उसको स्टडी कर सकते हैं कि इसके अंदर किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, बट ऑब्वियसली उनके बहुत सारे कॉम्प्लायंसेस वगैरह हो गए, बट ये आपको क्लियर आउट करने के लिए कहाँ जाना है, कहाँ चेक करना है, इसके ऊपर मैं आपको आगे इन्फॉर्मेशन देता हूँ। नेक्स्ट वन इज टेक्सटाइल मेडअप्स, यानी कि टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। अब टेक्सटाइल प्रोडक्ट के अंदर दोस्तों 61, 62 एंड 63 नंबर के चैप्टर्स हैं, एंड आप इसके अंदर देखिए इसके अंदर भी बहुत अच्छा और स्टेडी ग्रोथ मिला है। जैसे कि 2015-16 से लेकर 2019-20 तक तकरीबन आप देख सकते हैं कि 2400 करोड़ के आजू बाजू का हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो इट इज टू गुड फॉर अस दैट कि ये जो पर्टिकुलर चैप्टर्स है 61, 62 एंड 63, ये स्पेसिफिकली अपना ये टेक्सटाइल मेडअप है, मतलब टेक्सटाइल से जो प्रोडक्ट हम तैयार करते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। तो टेक्सटाइल में बहुत सारी प्रोडक्ट है, चलिए हम कुछ प्रोडक्ट के ऊपर बात करें।
सबसे पहला है टी शर्ट ऑफ कॉटन, जिसका लास्ट ईयर 211 करोड़ का एक्सपोर्ट था। यस, अब देखिए ये सारी प्रोडक्ट क्यों एक्सपोर्ट हो रही है ज्यादा, वो आप सब समझ सकते हैं। बिकॉज आप अगर कनाडा के अंदर कोई प्रोडक्ट, वहां का मेड प्रोडक्ट अगर परचेस करने जाएंगे ना, तो ये बहुत महंगा होता है। वाई? बिकॉज यू ऑल आर नोइंग दैट कि वहां पे जो लेबर है, लेबर का मतलब जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है, कंपनी सेटअप का कॉस्ट ज्यादा है, और डेफिनेटली उनके जो बेसिक खर्चे वो भी बहुत ज्यादा है। तो वो ज्यादातर प्रिफर करते हैं कि इसको हम इम्पोर्ट करें। यस, और कैनेडा मैंने आपको बताया उस तरह से इस प्रोडक्ट के अंदर भी बहुत नेट इम्पोर्टर है, ज्यादातर वो यहाँ पे कुछ बनाते नहीं, वो ज्यादातर इम्पोर्ट ही करते हैं। और वी आर नोइंग दैट कि जब टेक्सटाइल की हम बात करते हैं, तो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट करने वाले कंट्री में हम थर्ड नंबर पे हैं, चाइना और बांग्लादेश के बाद। तो वी आर द वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज ओपन है। यस, इसके लिए आपको ये समझना होगा कि उनका साइज क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट कैसी है, कैसा मटेरियल उनको चाहिए, एंड किस तरह से हम ये प्रिपरेशन करते थे। यस, उसके अलावा है दोस्तों टॉयलेट लिनन एंड किचन लिनन प्रोडक्ट्स। ये मैंने वंस अगेन फ्लोरेंस कलर में इसको प्रेजेंट किया हुआ है। इसका मतलब ये वाला कॉमोडिटी भी हमारे लिए बहुत फोकसेबल है, जिसका 171 करोड़ का लास्ट ईयर एक्सपोर्ट था, जिसके अंदर भी हम बहुत सारा एक्सपोर्ट अच्छे से कर सकते हैं। बेडशीट एंड बेड कवर्स, जो ये स्पेसिफिक मैं एचएस कोड आपको बता रहा हूँ, 61, 63, 62 चैप्टर से। उसके अलावा अदर बेड लिनन कॉटन, देन नीट शर्ट एंड स्वीट शर्ट, ब्लाउज शर्ट्स एंड शर्ट ब्लाउज कॉटन, जर्सी, मतलब ठंडी बहुत है तो डेफिनेटली जो भी जर्सी हम यहाँ से बनाते हैं प्योर ऊन का, या तो वगैरह जब प्रोडक्ट जो वहां पे वो लोग प्रीफर करते हैं, जो प्योर ऊन का होता है वो ज्यादातर, तो मतलब अगर पतला वाला जर्सी है तो वो इतना नहीं चलेगा ठंड की बदौलत, तो उनको जो चाहिए वो अगर हम स्टडी करते हैं प्रॉपरली और उस तरह का अगर मेडअप करेंगे, तो डेफिनेटली यू विल डेफिनेटली फाइंड आउट द गुड मार्केट। यस, ड्रेसेस फॉर ऑफ द कॉटन, डिफरेंट काइंड ऑफ द ड्रेसेस, उसके अलावा ब्रीफ्स एंड पैंटीज ऑफ कॉटन, अंडर पैंट एंड ब्रीफ्स वगैरह, सो नाइट ड्रेसेस एंड पाइजामाज वगैरह। सो दीज आर द जनरल प्रोडक्ट जो इस चैप्टर से स्पेसिफिकली ये एचएस कोड एक्सपोर्ट होते हैं। यस, तो मैंने आपको 8 डिजिट एचएस कोड भी बताया है, तो ये सेपरेट प्रोडक्ट्स हैं, तो उसके अंदर भी हमारा बहुत अच्छा एक्सपोर्ट है, और जिसका ग्रोथ जो है वो ईयर बाय ईयर जो आपको देखने को जरूर मिलेगा। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट कमोडिटी के अंदर, जिसका नाम है सिरामिक कमोडिटी, एंड यू कैन फाइंड इट आउट दैट एक्सपोर्ट ग्रोथ जो 69 नंबर चैप्टर का है। 69 नंबर चैप्टर में खासतौर पे सिरामिक कमोडिटी आती है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं सी 2015-16 से लेकर आज तक अगर हम बात करें, तो इसमें भी बहुत बढ़िया ग्रोथ हमको देखने को मिला है। ओनली 6 करोड़ से आज हम 58 करोड़ का एक्सपोर्ट करते हैं, सो यू कैन इमेजिन दैट इट इज 1,000 टाइम मोर। तो डेफिनेटली ये कॉमोडिटी ऐसी है जिसके अंदर इंडिया बहुत बहुत सुप्रीमली मैन्युफैक्चरिंग भी करता है, बहुत अच्छा क्वालिटी भी तैयार करता है, और वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट भी इतना करता है। यस, तो 69 नंबर चैप्टर के अंदर देखते हैं कौन कौन सी प्रोडक्ट है जो फोकसेबल है, जिसमें खासतौर पर ब्रिक्स एंड शेप्स, जो मैंने आपको बताया था आगे की न्यू जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना हो तो ये बेसिक कॉमोडिटीज है। इसके अलावा सिरामिक मग, पेविंग टाइल्स एंड एक्सेट्रा, जो सिरामिक से प्रॉपरली बनते हैं। देन आफ्टर यहाँ पे मैंने टेबलवेयर वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, जो आप सब जानते हैं कि हाउस होल्ड की प्रोडक्ट है जो हम यूज करते हैं। यस, देन सिरामिक किचनवेयर, दिस इज ऑल्सो अगेन वेरी गुड प्रोडक्ट टू बी फोकस्ड। इसका लास्ट ईयर एक्सपोर्ट जो है टोटल वो 13 लाख का था, ये जो फिगर्स है वो लाख में है दोस्तों, तो जरा उसको फोकस करिएगा। एंड देन क्ले आर्टिकल्स ऑफ टेबलवेयर, जो टेबल के ऊपर लगाए जाते हैं वगैरह सब, अलग अलग क्ले की जो प्रोडक्ट बनती है माटी की। यस, तो उसका भी बहुत अच्छा एक्सपोर्ट जो है हम फोकस कर सकते हैं। सो दीज आर द प्रोडक्ट जिनको कहीं ना कहीं प्रेजेंट, देखिए सिंपल सी बात है, जो दिखा दिखेगा वो बिकेगा। शायद हो सकता है कि आज तक हमारी प्रोडक्ट दिखी ही ना हो, और जो दिखेगा नहीं वो बिकेगा नहीं, तो डेफिनेटली ये वो प्रोडक्ट्स है जिनको हमको दिखाना होगा। बिकॉज ये वो प्रोडक्ट है जो हम सस्ता भी बनाते हैं, अच्छा भी बनाते हैं, और अल्टीमेटली उनके मार्केट की रिक्वायरमेंट भी है। यस, तो डेफिनेटली अगर हमने प्रॉपरली उसको मार्केटिंग किया और प्रॉपरली हम उनके बायर तक पहुंचे, तो इसके अंदर बहुत अच्छा ग्रोथ हमको देखने को मिल सकता है इन फ्यूचर टाइम। एंड ऑलवेज रिमेंबर, कैनेडा जो है वो ग्रोइंग इकोनॉमी है, ग्रोइंग हर बाबत में इकोनॉमी, पर्टिकुलरली अगर पैसे के बेस पे फोकस करें तो भी, अगर हम बात करें पॉपुलेशन के तौर पे तो भी, एंड अगर हम बात करें ऑल इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के तौर पे तो भी, बिकॉज माइग्रेशन भी बहुत ज्यादा है एंड उनकी रिक्वायरमेंट भी स्किल लेबर की ज्यादा है, तो दे आर कंटिन्यूअसली आस्किंग पीपल टू कम इनटू द कैनेडा। यस, एंड बहुत सारे प्रोग्राम भी अभी वो चला रहे हैं परमानेंट रेसिडेंसी के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी, तो डेफिनेटली जैसे जैसे ये पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज जो है वो भी बढ़ती जाएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, और हमारा नेक्स्ट चैप्टर है 10 नंबर का चैप्टर, जिसका नाम है सीरियल। सीरियल्स यानी कि अनाज, कठोल जो यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। यस, और वी आर द वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, ना वन ऑफ द लार्जेस्ट, हम ये भी बोल सकते हैं कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अनाज या तो कोई भी फूड प्रोडक्ट का हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या तो प्रोडक्शन हमारे यहाँ है। यस,
तो डेफिनेटली जब इसका इतना सारा प्रोडक्शन है, हमारी खुद की रिक्वायरमेंट भी इतनी है ही, बट उसके सामने इसके अंदर एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज भी बहुत अच्छे हैं। बट दोस्तों जब मैं सीरियल की बात करता हूँ या तो कोई भी फूड सेक्टर की बात करता हूँ, तो मुझे हमेशा ये फिगर मेरे ध्यान में आता है और मेरे सामने आता है, यू विल नॉट गोइंग टू बिलीव दैट, कि इतना ब्यूटीफुल इंडियन क्यूजन हम तैयार करते हैं, इतना ब्यूटीफुल हम प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं। और आप सब जानते हैं कि अगर हम फूड के बारे में मैडम्स की बात करें तो इतना वेराइटी है कि आप हर एक स्टेट में चले जाइए और यू विल फाइंड आउट द डिफरेंट काइंड ऑफ द प्रोडक्ट्स। या अगर आज चाइना के अंदर आप कोई इंडियन मान लीजिए ये होटल वगैरह में सब चले जाएंगे ना, तो यू विल फाइंड आउट दैट कि जितने इंडियन नहीं होते ना, उससे ज्यादा चाइनीज वहां पे होते हैं, एंड दे आर इम्पोर्टिंग लॉट्स ऑफ इंडियन फूड, प्रीपेड फूड। यस, तो जो कंट्री मतलब आप सबको पता है वो क्या खाते हैं। यस, अगर वो इतना मांस और मच्छी खाने वाले कंट्री जो है वो भी इंडियन क्यूजिन में अभी धीरे धीरे इंटरेस्टेड हो रहे हैं, तो डेफिनेटली ये वो प्रोडक्ट्स है जो हम वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट करके उसकी प्रॉपर प्रिपरेशन से, हाँ वर्ल्ड वाइड उनके कॉम्प्लायंसेस को क्लियर करके अगर हम एक्सपोर्ट करने के ऊपर फोकस करें, तो हमारे लिए ये वाला प्रोडक्ट सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आ सकता है। और अगर आज हम टोटल हमारे जो फूड प्रोडक्ट्स है उनके एक्सपोर्ट की बात करें, मैं खास तौर पे बात कर रहा हूँ जो प्रीपेड फूड प्रोडक्ट है, जो फिनिश्ड है, यस, जो प्रीपेड किया गया है, तो ओनली प्रीपेड फूड में हमारा टोटल एक्सपोर्ट 2% है, जबकि हमारा पॉपुलेशन तकरीबन 14% है वर्ल्ड के टोटल पॉपुलेशन में। तो आप समझ सकते हैं इतना ब्यूटीफुल क्यूजिन होने के बावजूद भी हम इतना अच्छा काम नहीं कर पाए हैं, बिकॉज ऑफ कहीं ना कहीं इसके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके जो उनको एक शेल्फ लाइफ देनी चाहिए या तो उनको एक जो प्रॉपर टच मिलना चाहिए पैकेजिंग का, वो नहीं मिल पा रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर इस प्रोडक्ट के अंदर फोकस करें तो इंडिया आने वाले टाइम के अंदर वर्ल्ड वाइड जो भी फिनिश प्रोडक्ट है या तो सेमी फिनिश जो फूड है इनको बहुत अच्छे से पहुंचा सकता है, जिसके अंदर आप सब जानते हैं ड्राई वेजिटेबल, जिसका अभी बहुत बड़ा मार्केट डेवलप हो रहा है ड्राइड वेजिटेबल, और ये इंडस्ट्रीज इंडिया के अंदर धीरे धीरे एक शेपिंग ले रही है। बट फिर भी इतना अभी हम वर्ल्ड वाइड मार्केट को फोकस नहीं कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग दैट कि हम इंडिया के अंदर बेचें। बट दोस्तों ये वो सारे कंट्रीज हैं जैसे कि खासतौर पे यूरोपियन कंट्रीज एंड अमेरिकन कंट्रीज जो इसका सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। यस, बिकॉज ऑफ द टाइमिंग इश्यू, बिकॉज ऑफ द वी कैन से सीजन इश्यूज एंड एटसेट्रा, क्लाइमेट एटसेट्रा। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया बहुत अच्छे से हर स्टेट के अंदर अलग अलग प्रोडक्ट जो है वो अलग अलग सीजन के अंदर हम प्रोड्यूस करते हैं, बिकॉज हमारा जो स्पेसिफिक एटमोसफियर है, जो क्लाइमेट है, वो भी बहुत सूटेबल है अलग अलग पाकों के लिए। तो डेफिनेटली ये सीरियल्स एंड उसके जो प्रिपरेशन है ना, ये हमारे लिए एक फोकसेबल एरिया हो सकता है, और उसके अंदर जितना आप अच्छे से स्टडी करेंगे और प्रिपरेशन के अंदर आप जितना अच्छा फोकस करेंगे, आई एम डेफिनेटली गिविंग यू द एश्योरिटी दैट कि वी विल बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मेड अप फूड प्रोडक्ट्स। या तो आप देख सकते हैं इसके अंदर भी ग्रोथ, आप देखिए दोस्तों 2015-16 से लेकर आज तक 274 करोड़ का एक्सपोर्ट था, जो पिछले 5 साल में बढ़कर 477 करोड़ का हुआ, तकरीबन इसके अंदर भी 90% से ज्यादा का ग्रोथ मिल रहा है। और इसके अंदर खास तौर पे बासमती राइस, वीट, उसके अलावा बाजरा, ये सारी प्रोडक्ट जो है उसका भी बहुत अच्छा मार्केट डेवलप हो रहा है, बिकॉज यू आर नोइंग दैट कि इंडियंस आर अवेलेबल इन दैट कंट्री, एंड डेफिनेटली जितने इंडियंस बढ़ेंगे वो डेफिनेटली हमारी जो प्रोडक्ट्स है उसको इम्पोर्ट करेंगे, बिकॉज जो इंडियन एक टच मिलना चाहिए उनके खाने के अंदर वो डेफिनेटली वहां पे इतना इजीली नहीं मिल सकता, तो दे आर इंपोर्टिंग द इंडियन प्रोडक्ट्स, एंड फिर उसके बाद बाजरे के रोटले, फिर जवार के रोटले एंड रागी वगैरह सब से प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं। यस, और अभी तो वहां के स्टोर में भी ये सब मिलना बहुत इजीली हो गया है, तो डेफिनेटली इसका इंपोर्ट भी धीरे धीरे बढ़ेगा जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा और उसका रिक्वायरमेंट बढ़ता जाएगा। यस, आगे हम अगर बात करें तो 19 नंबर चैप्टर है प्रिपरेशन ऑफ द सीरियल्स, फ्लोर एंड स्टॉक एंड मिल्क, जो ये सारी प्रोडक्ट है वो 19 नंबर के चैप्टर में आती है, जिससे कुछ मेड अप प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। तो लेट्स सी, अगर हम उन प्रोडक्ट की बात करें तो हम देखिए 86 करोड़ से आज एक्सपोर्ट 171 करोड़ पे है, यानी कि पिछले 5 सालों में इसमें भी तकरीबन डबल ग्रोथ हुआ है। यस, और डेफिनेटली लेट्स चेक द एग्जैक्ट एचएस कोड कि कौन कौन से एचएस कोड है जिसके अंदर खासतौर पे हमारा एक्सपोर्ट है। यहाँ पे सबसे पहले मॉल्ट, जिसके थ्रू बियर वगैरह सब बनाए जाते हैं, मतलब बेवरेजेस, उसके अलावा है अनकुक्ड पास्ता, जो यहाँ पे मतलब पैक पास्ता आप एक्सपोर्ट करते हैं और उसके बाद वो ओपन करके उसको डायरेक्टली फ्राइड कर सकते हैं या तो प्रिपरेशन कर सकते हैं। देन ड्राइड पास्ता अदर, देन पौवा, मूडी एंड काइंड ऑफ पौवा, वो जो सब अलग अलग हम प्रिपरेशन करते हैं ना सीरियल्स से, तो मतलब चावल को ऐसे पीच के जो बनाते हैं पौवा, अब गुजराती को पता होगा कि बटे का पौवा, बाकी आई डोंट नो कि बाकी क्या बोलते हैं, लेकिन ये पौवा वैसा जो प्रोडक्ट है ना उसका भी बहुत सारा इंपोर्ट जो है वो रेगुलर बेस के इंक्रीज हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर के अंदर इसके अंदर 5% का इजाफा हुआ था। यस, तो धीरे 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 ये प्रोडक्ट जो है इसके अंदर आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा।
एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट दोस्तों 21 नंबर का चैप्टर है जो है मिसेलेनियस एडिबल प्रिपरेशंस। एडिबल मतलब जो मैंने आपको बताया खाने के लिए जो प्रिपरेशंस होते हैं, बिकॉज ये फूड प्रोडक्ट का भी वन ऑफ द वी कैन से बिग नेट इंपोर्टर्स है फूड प्रोडक्ट के अंदर भी। तो प्रिपरेशन वाला जो फूड प्रोडक्ट होता है वो सारा इम्पोर्ट होता है। उसके अलावा फ्रेश वेजिटेबल एंड फ्रूट, इसका भी बहुत बड़ा एक्सपोर्ट पर्टिकुलरली कनाडा के अंदर होता है। तो डेफिनेटली इनकी प्रिपरेशन का भी बहुत बड़ा मतलब एक्सपोर्ट के अंदर इजाफा हुआ है पिछले कुछ सालों के अंदर। तो देखिए अगर मैं बात करूं एडिबल प्रिपरेशन की, तो इसके अंदर खास तौर पे ड्राइड और जो चॉप्स किए होते हैं या तो फिर उसकी जो स्लाइस बनाई होती है, यस, ऐसे जो फूड प्रोडक्ट्स हैं इनकी खास तौर पे बहुत डिमांड है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इंडिया से ऑनियन के ऑनियन और गार्लिक के जो फ्लैक्स होते हैं उनका जो पाउडर होता है, इनका बहुत बड़ा एक्सपोर्ट ऑलरेडी हम करते हैं यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज में। तो कनाडा भी इन प्रोडक्ट का बहुत बड़ा इंपोर्टर्स है। एंड डेफिनेटली ये एडिबल फ्रूट एंड वेजिटेबल जितने भी है ना, उसके अंदर अगर आप ड्राइड करके उसको प्रॉपरली पैक कर सकते हैं, अगर उसके ऊपर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे और उसके ऊपर अगर आप शेल्फ लाइफ आप 12 महीने या 18 मंथ दे सकते हैं, तो डेफिनेटली इट विल बी अ वेरी ब्यूटीफुल टू बी एक्सपोर्टेड इन दिस कंट्री एंड ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स। एंड डेफिनेटली उसका जो ग्रोथ है ना वो भी आपको आने वाले सालों में दिखेगा। देर आर सेवरल एग्जाम्पल्स। अगर हम इंडिया के अंदर बात करें तो आज की बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज ऑलरेडी अवेलेबल हैं जो इंडस्ट्रीज आज ड्राइड फ्रूट के अंदर बहुत अच्छा प्रिपरेशन तैयार कर रही है। यस, अगर आप मान लीजिए अमेजोन पे जाके अगर सर्च आउट करेंगे तो विल फाइंड आउट लॉट्स ऑफ कंपनीज जो बहुत ही अतरंग तरीके से प्रोडक्ट को तैयार भी करते हैं। आई एम टेलिंग यू लॉट्स ऑफ इंडियंस आर अवेलेबल देयर। यस, अब देखिए अगर पाव भाजी मेरे को खाना है तो वहां पे तो पाव भाजी कोई बनाता होगा नहीं कनाडा के अंदर। अब 18 लाख इंडियंस है तो इनका कोई ना कोई तो ऐसा फेवरेट इंडियन फूड होगा जो वो खाना चाहते हैं। यस, तो ऐसी प्रोडक्ट को अगर आप प्रॉपर पैकेजिंग कर सकते हैं, जैसे कि मैंने 2-3 तरीके उसमें देखे हुए हैं जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। एक तो पाव भाजी को ड्राइड किया जाता है और उसका शेल्फ लाइफ तकरीबन 6 महीने से लेकर 9 महीने होता है। तो आपको क्या होता है, गर्म पानी के अंदर उसको डाल देना है, जो क्वांटिटी आपका गर्म पानी का होगा लिखा होगा उसके रिगार्डिंग, और फिर थोड़ी देर के बाद मतलब 5-7 मिनट के अंदर वो रेडी हो जाता है और आप पाव भाजी का टेस्ट ले सकते हैं। यस, ये एक प्रिपरेशन हुआ जिसके अंदर उसको ड्राइड किया जाता है। तो उसके अंदर हॉट ट्रीटमेंट भी होती है और वी कैन सी कोल्ड ट्रीटमेंट भी होती है। तो ये अलग अलग ट्रीटमेंट्स होती है, बट जो उसका टेस्ट आता है वो तकरीबन 70-80% मैच हो जाता है। तो बट हाँ, आपका जो एक मतलब जो तलब होता है ना वो बट ऑब्वियस है कि वो सेटिस्फाई होगा। सेकेंड नंबर पे कुछ प्रिपरेशन ऐसी होती है जिसके अंदर वो एयर टाइट पैकेजिंग करते हैं। एयर टाइट, तो एयर टाइट पैकेजिंग में क्या होता है कि एक बार आपने एयर टाइट पैकेजिंग कर दिया तो बट ऑब्वियस है उसके अंदर कोई भी इंसेक्ट ग्रोथ नहीं होगा या तो बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं होगा, ठीक है। और वो प्रोडक्ट 12 महीनों तक तो भी अच्छा रह सकता है, मोर देन 12 महीने भी अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर फूड सेक्टर की अगर हम कुछ बेसिक जो कॉम्प्लायंसेस है उसको चेक करें तो 12 महीने का हम शेल्फ लाइफ दे सकते हैं। तो आई हैव सीन सम कंपनीज जो 12 महीने का शेल्फ लाइफ देती है नाइट्रोजन पैकिंग करके, सॉरी ये एयर टाइट पैकेजिंग करके। एंड देर आर सेवरल कंपनी जो नाइट्रोजन पैकेजिंग भी करती है और इसे भी फ्रूट एंड वेजिटेबल जो ड्राइड होते हैं या तो जो फिनिश जो हम सब्जी वगैरह सब बनाते हैं उनको भी प्रॉपरली पैक किया जाता है और 9 महीने से 12 महीने का शेल्फ लाइफ दिया जाता है। तो लॉट्स ऑफ रिसर्च इज ऑलरेडी गोइंग ऑन माई फ्रेंड्स। एंड जब आप इंडस्ट्री के ऊपर फोकस करेंगे और अलग अलग जब सप्लायर को चेक करेंगे तो डेफिनेटली विल फाइंड आउट दैट कि बहुत सारी कंपनियां आज इसके अंदर बहुत अच्छा काम कर रही है। बस हमको वो प्रोडक्ट को वहां पे दिखाना होगा। आई एम टेलिंग यू इन प्रोडक्ट के अंदर इतना अच्छा ग्रोथ भी है कि जैसे जैसे लोगों को समझ में आता है कि ये बहुत ईजी प्रिपरेशन है और खाली उसको खोल के आपको गर्म पानी के अंदर डाल देना है तो उसके अंदर और कुछ भी नहीं करना है। एंड डेफिनेटली ये वाली प्रोडक्ट जो है वो उनको प्रिफरेबल भी है क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं है, पूरे दिन इतना काम करते हैं तो जब भी वो आते हैं तो वो चाहते नहीं है कि भाई हम खाना बनाए प्रॉपरली। यस, एंड सो दे वांट दैट कि भाई अगर हमको रेडी डिश मिलता है तो वी कैन से खर्च इतना कर सकते हैं, इतना पैसा उसमें खर्च कर सकते हैं जिससे कि हमको प्रॉपर फीडअप मिले। यस, तो न्यूट्रिशन वैल्यू को बरकरार रखते हुए अगर इस तरह से पैकेजिंग को फोकस किया जाए अलग अलग प्रोडक्ट के तौर पर जो इंडियन क्यूजीन है और जो स्टैंडर्डाइज इंडियन प्रोडक्ट्स है फूड के अंदर, तो डेफिनेटली यू विल फाइंड आउट द वेरी गुड मार्केट। और दूसरी बात दोस्तों, आई एम टेलिंग यू दिस काइंड ऑफ द प्रिपरेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ, खासतौर पर वेजिटेबल एंड नॉन वेजिटेबल जो हम सब्जी बनाते हैं, तो आप सब जानते हैं कि ये जो पनीर टिक्का होता है या तो फिर मान लीजिए कि हांडी होता है, मिक्स वेजिटेबल्स होता है, ये सब प्रोडक्ट का भी बहुत प्रॉपर ये ड्राइड करके उसको प्रिपरेशन किया जाता है और
जो मैंने बताया उस तरह से उसको गर्म पानी में डाल के डायरेक्टली आप उसको यूज कर सकते हैं। अब ऐसा प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड कोई नहीं बनाता है जो इंडियन क्यूजिन है स्पेसिफिकली, यस। और अभी तो ये शुरुआत है, आई एम टेलिंग यू अगले 5 सालों के अंदर यू विल फाइंड आउट थाउजेंड ऑफ प्रोडक्ट इन दैट पर्टिकुलर एरिया, जिसके अंदर आपको बहुत अच्छे से इसका एक्सपोर्ट ग्रोथ मिलेगा, बिकॉज ऑल ओवर वर्ल्ड जहां जहां पे भी इंडियंस हैं उनको ये टेस्ट एक बार समझ में आएगा तो डेफिनेटली दे विल गोइंग टू इम्पोर्ट इट, दे वॉन्ट्स इट, एंड ये प्रोडक्ट जो है वो आगे के सालों में बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके देगा। तो ये एक फोकसेबल एरिया है हमारे लिए और फोकसेबल सेक्टर है जिसके अंदर बहुत सारा डेवलपमेंट अभी भी होना बाकी है और अपॉर्चुनिटीज जो है वो अनलिमिटेड है। यस, तो दोस्तों ये कुछ मैंने सिलेक्टेड जो चैप्टर्स है वो यहाँ पे मैंने आपको दिखाए, जिसके अंदर भी स्पेसिफिक 8 डिजिट HS कोड, जिससे कि आपको ये पता चले कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो स्पेसिफिकली हम इस कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हैं या तो दुनिया के और कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हैं और बहुत अच्छा जो अपना मार्केट है उसको डेवलप कर सकते हैं। यस, अब हम आते हैं दोस्तों कुछ मिसेलेनियस प्रोडक्ट के ऊपर 21 नंबर चैप्टर की, जिसके अंदर खासतौर पर जो मैंने आपको बता रहा था ना ये एडिबल प्रिपरेशन, ये उनकी कुछ प्रोडक्ट है 8 डिजिट, यस, जिसमें इंस्टेंट कॉफी नॉट फ्लेवर्ड जो रेगुलर कॉफी हमारा होता है नेचुरल वो, उसके अलावा इंस्टेंट टी, करी पेस्ट, दिस वन इज द वेरी गुड प्रोडक्ट एंड डेफिनेटली जैसे जैसे इनका टेस्ट लोगों को समझ में आएगा ये ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट होगा। आप समझ सकते हैं ये टोमेटो केचप वगैरह सब जो इंडिया के अंदर बहुत प्रेफरेबली तैयार होता है। अगर हम करी पेस्ट की बात करें दोस्तों तो आप सबको पता हो कि कोई भी सब्जी को बनाने के लिए अगर उसका आपको डायरेक्टली करी मिल जाए तो वो ईजी हो जाता है फूड प्रिपरेशन में, यस। तो कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर ऐसी बहुत कंपनियां हैं जो इसका करी पेस्ट तैयार करती है और इसका बहुत अच्छा एक्सपोर्ट हमारे उस कंट्रीज के अंदर है जहां पे इंडियंस अवेलेबल है, यस। तो वहां की जो होटल्स है ना जो इंडियन क्यूजिन को रिप्रेजेंट करती है वो भी ये करी पेस्ट वगैरह जैसी प्रोडक्ट इसको बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। इसमें इसके अंदर सबसे ज्यादा ये प्रोडक्ट जहां पे हम एक्सपोर्ट करते हैं वो कंट्रीज जो है वो है जापान और यूरोपियन कंट्रीज। तो डेफिनेटली अलग अलग आप कोई भी प्रोडक्ट बना ले या तो कोई भी प्रिपेयर्ड फूड तैयार कर ले, जैसे कि अगर मान लीजिए वो वेजिटेबल सब्जी हो गया या नॉन वेजिटेबल सब्जी है या तो और कोई भी प्रिपरेशन है, अगर उसके अंदर आपको करी चाहिए होगा, यस, मतलब उसका ग्रेवी चाहिए होगा तो ग्रेवी जो तैयार होगा वो बट ऑब्वियसली पेस्ट से तैयार होगा। तो इसके रेडीमेड पेस्ट आते हैं जिसको खाली निकाल के पानी के अंदर डाल देना है और 2 मिनट में उसका प्रिपरेशन रेडी हो जाएगा, आप उसके अंदर सब्जी डाल दो, फ्राई कर दो एंड इट इज रेडी, यस। तो डेफिनेटली दीज आर द प्रोडक्ट जो फोकसेबल प्रोडक्ट है और जिसके अंदर हम आगे जाके जो ग्रोथ है वो देख सकते हैं। उसके अलावा मिक्स मसाला एंड ये सॉफ्ट ड्रिंक्स, खास तौर पे इंडियन शरबत, बिकॉज यू ऑल आर नोइंग दैट कि हमारे जो शरबत है जैसे कि हमारा श्रॉफ का शरबत हो गया, लींबू शरबत हो गया, इसके अलावा और भी हम बहुत नेचुरल शरबत तैयार करते हैं, तो ये जो शरबत है आंवला का हो गया, फिर ये रोज वगैरह सब तैयार करते हैं हम, यस। तो ये शरबत का भी बहुत अच्छा मार्केट जो है वो इस कंट्री में हो सकता है, बिकॉज दीज आर द नेचुरल काइंड ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट जिसके अंदर कोई एडिटिव ज्यादा नहीं करना होता है और आप प्रिजर्व भी कर सकते हैं और इसको कभी भी प्रिपेयर करके पी भी सकते हैं। तो डेफिनेटली इसके अंदर अब 2 तरह से प्रिपरेशन हो रही है, एक तो जो लिक्विड फॉर्म में तो आता ही था कि आप उसका सिरप डालिए और शरबत तैयार करिए, अभी कुछ कंपनियां ऐसी भी है जिन्होंने पाउडर फॉर्म में भी तैयार करना चालू किया जिनका शेल्फ लाइफ 18 मंथ्स है, तो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे उसका मैडअप होता है। आप पाउडर जो है फिक्स क्वांटिटी पाउडर वो ग्लास में डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए, आपका शरबत रेडी, यस। सो दीज आर द प्रिपरेशंस जो बहुत सारी कंपनियां धीरे 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 इस सेक्टर में भी आ रही है, तो डेफिनेटली इट विल बी मोर इजी, मोर नेचुरल एंड मोर रिफ्रेशिंग, यस। कुछ भी नहीं करना है, खाली पानी डालिए ठंडा, उसको हिला दीजिए प्रॉपरली एंड यू कैन सिप इट। सो दीज आर द प्रोडक्ट जिसके अंदर भी बहुत अच्छा मार्केट हम वर्ल्ड वाइड फोकस कर सकते हैं और डेफिनेटली इंडियंस आर अवेलेबल इन कैनेडा, तो कैनेडा बट ऑब्वियस फोकसेबल मार्केट, यस। एंड उसके अलावा अदर डायबिटिक फूड, देर आर सेवरल पीपल्स डायबिटिक इन साइड द कैनेडा बिकॉज ऑफ दी आप जानते हैं फैट बॉडीज एंड एटसेट्रा, तो डेफिनेटली ये भी एक अच्छा सेक्टर है फोकस करने के लिए और वी आर गुड रिसर्चर इन द डायबिटिक प्रोडक्ट्स और डायबिटिक जो मेडिसिन है उसके अंदर। तो 2 तरह का होता है ना जो प्रॉपर मेडिसिन आता है जिसके अंदर हम बोलते हैं उसको एलोपैथी और दूसरा होता है आयुर्वेदा, तो इंडिया का आयुर्वेदा तो वर्ल्ड वाइड प्रचलित है, जैसे हमारा योगा प्रचलित हुआ है तो योगा के थ्रू आयुर्वेदा भी बहुत प्रचलित है, तो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के लिए भी आप बहुत अच्छा मार्केट जो है वो बना सकते हैं और धीरे धीरे बन भी रहा है। एज यू ऑल आर नोइंग दैट कि वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टेड कंपनी इज पतंजलि, जो आज वर्ल्ड वाइड अपना प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट ऑलरेडी कर रहा है एंड देर आर सेवरल स्टोर जो कैनेडा के अंदर भी पतंजलि का प्रोडक्ट रखते हैं। तो डेफिनेटली ये एक फोकसेबल एरिया है जिसके अंदर भी आप आगे अच्छा काम कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब मैं आपको कुछ ऐसे फिगर्स दिखाता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि कितना अनटैप मार्केट कैनेडा के अंदर हमारी प्रोडक्ट के लिए अवेलेबल है, यस। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ कंपैरिजन दिखाता हूँ कि चाइना का एक्सपोर्ट कैनेडा के अंदर कितना है और उसके सामने इंडिया की क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। सो फिगर्स आप चेक करिएगा, यू विल बी अमेज्ड आफ्टर सेइंग दिस।
मैं आपको पहले ये बता दूं कि चाइना का टोटल एक्सपोर्ट कनाडा के अंदर 4.5 लाख करोड़ का है, 4.50 लाख करोड़, जबकि इंडिया का एक्सपोर्ट टोटल 20,000 करोड़, ओनली 20,000, सो इट इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ देम। यस, तो डेफिनेटली देर आर सेवरल प्रोडक्ट जिसके ऊपर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो चलिए हम ये लिस्ट पे आते हैं। ओके, सो माय फ्रेंड्स, अब देखिए यहां पे सबसे पहले आपको दिया हुआ है चैप्टर, उसके बाद एक कॉमोडिटी, देन इट इज गिवन दैट 2019 में चाइना ने कितना एक्सपोर्ट किया था और उसी साल इंडिया ने कितना एक्सपोर्ट किया और इसमें कितना पोटेंशियल है। यस, अब देखिए ये जो आपको डेटा दिया गया है ये ऑथेंटिकेटेड सोर्स है, वी हैव फाइंड इट आउट फ्रॉम द ITC ट्रेड मैप, तो ये 100% ऑथेंटिकेटेड सोर्स है। और इसके अंदर आप देखिए मैंने जितनी भी यहाँ पे फ्लोरेंस कलर के अंदर जिस जिस कॉमोडिटीज को मार्कआउट किया है, ये वो कॉमोडिटीज है जो इंडिया बहुत अच्छे से तैयार भी करता है और बहुत अच्छे से वो एक्सपोर्ट भी कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आज तक हम इस मार्केट को टैप नहीं कर पाए हैं, तो मुझे लगता है कि ये इतना दिख नहीं रहा या तो उसका प्रॉपर मार्केटिंग नहीं हो रहा है। यस, तो चलिए सबसे पहले आप देखिए ये जो बीच में दिया है ना, ये पोटेंशियल है। एक मैं आपको फिगर समझाता हूँ, ये देखिए फर्नीचर बेडिंग एंड मैट्रेसेस जो प्रोडक्ट होता है, जो 94 नंबर चैप्टर में आता है, दोस्तों ये प्रोडक्ट का चाइना एवरी ईयर 25,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करता है। अब उसमें रॉ मटेरियल भी होगा, क्योंकि 94 नंबर चैप्टर में जितने भी एचएस कोड होंगे उन एचएस कोड के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है, जिसके सामने इंडिया का एक्सपोर्ट 266 करोड़ है ओनली। इट मीन्स 98% से भी ज्यादा, मैं तो बोल रहा हूँ 100% के आजू बाजू इसमें अपॉर्चुनिटीज है। यू सी, मतलब 100 टाइम बिग मार्केट इज अवेलेबल, बट हम कॉपअप कितना कर पाए, ओनली 1.1%। कैन यू इमेजिन, यू सी द फिगर्स एंड यू विल बी अमेज्ड आफ्टर सीइंग दिस। मैंने यहाँ पे बहुत सारे एचएस कोड लिए इसीलिए जिससे कि आपको ये पता चले कि कौन कौन से प्रोडक्ट में क्या क्या टैपिंग मार्केट हो सकता है। यस, इसके अलावा मशीनरी एंड प्रोडक्ट्स के अंदर भी, बट ऑब्वियस है बहुत बड़ा हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, लेकिन धीरे 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 हम मशीनरी प्रोडक्ट के अंदर डेवलपमेंट में आगे बढ़ रहे हैं, तो शायद उसको थोड़ा टाइम लगे, बट ये सारी प्रोडक्ट जो मैंने यहाँ पे मार्कअप की हुई वो तो ऐसी प्रोडक्ट है जो हम बहुत अच्छे से तैयार कर रहे हैं ऑलरेडी। टॉयज, गेम्स एंड अगर स्पोर्ट्स की बात करें, स्पोर्ट्स प्रोडक्ट की, तो इसके अंदर भी हमारा अच्छा मैन्युफैक्चरिंग है, 99.74% पोटेंशियल इज अनटैप्ड। 19,000 करोड़ का एक्सपोर्ट है चाइना का, जबकि जिसके सामने हमारा एक्सपोर्ट ओनली 51 करोड़। उसके बाद आप देखिए प्लास्टिक एंड आर्टिकल्स की प्रोडक्ट, जिसके अंदर भी 95% का आर्टिकल्स ऑफ अपेरल एंड क्लोथिंग। यू सी, वी आर द थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर एंड मैन्युफैक्चरर ऑफ द क्लोथिंग प्रोडक्ट्स। एक्सपोर्टर मेरे ख्याल से मैन्युफैक्चरिंग के तौर पे तो हम सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है आफ्टर चाइना, क्योंकि बांग्लादेश का तो जितना भी मैन्युफैक्चरिंग होता है उसमें ज्यादा एक्सपोर्ट ही होता है। यस, यू सी द अपॉर्चुनिटीज, ये तीन सेक्टर 61, 62 एंड 64, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 90% से ऊपर का हमारे पास पोटेंशियल अनटैप्ड पड़ा है। मतलब चाइना जो प्रोडक्ट्स वहां पे एक्सपोर्ट कर रहा है, अगर उनका प्रॉपर स्टडी किया जाए और उस तरह का प्रोडक्ट अगर उनके प्राइस रेंज के अंदर तैयार किया जाए, तो वी हैव द वेरी गुड मार्केट इन फ्रंट ऑफ चाइना। आई एम टेलिंग यू, चाइना और इंडिया के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, इवन इंडिया से चाइना दूर होता है कैनेडा को अगर हम फोकस करें तो। तो आप देखिए मैप के अंदर मैं अगर आपके सामने रिप्रेजेंट करूं, यहां पे कनाडा है और यहां पे इंडिया एंड चाइना है, तो आप समझिए चाइना इधर है और इंडिया यहां पे है, तो हमारा डिस्टेंस जो है ना वो कम है। मतलब अगर कोई भी शिपिंग लाइन इंडिया से गुड्स लेके जाएगी तो शायद उसका चार्ज कम होगा, जबकि चाइना को पूरा इंडिया से घूम के जाना पड़ता है। तो मैं जो बताने की ट्राई कर रहा हूं आप उसको फोकस करिए। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि चाइना जो भी प्रोडक्ट देता है वो सस्ता है, या तो फिर और कोई पैरामीटर्स होंगे कि उनका वेज सस्ता है। जनरली हमको ये लगता है कि चाइना के अंदर तो पगारी बहुत सस्ते होते हैं तो लोग कुछ भी बना लेते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। उनका अगर सबसे पॉजिटिव कोई बात है तो ये है कि चाइना का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो बहुत ही साउंड है। तो क्या होता है कि देर आर सेवरल शिपिंग लाइन जो चाइना से ओरिजिन होती है, तो डेफिनेटली उनका कनेक्शन जो है वो बहुत साउंड है एंड फ्रिक्वेंसी बहुत अच्छा है। सेकेंडली, पोर्ट के पास इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ये उनका सबसे बड़ा हथियार है। आप देखेंगे जितनी भी इंडस्ट्रीज चाइना के अंदर आज सेटअप है ना, उसमें से तकरीबन 60-65% इंडस्ट्रियल जो एस्टेट्स है वो सब पोर्ट के नियर अबाउट होते हैं। तो उनका पोर्ट से माल निकलने का जो टाइम है वो एक दिन से भी कम है, यानी कि आप ऐसा समझिए 8-9 आवर के अंदर आपका ऑर्डर पड़ा और उसके पास रेडी गुड्स है, तो 8-9 आवर के अंदर वो गुड्स को डिस्पैच कर देते हैं, और वो टाइम इंडिया के अंदर तकरीबन 5-6 दिन का है। मतलब ऑर्डर आने के बाद प्रिपरेशन और बाकी के टाइम में 5-6 दिन चले जाते हैं,
और इसकी बदौलत कहीं ना कहीं हम थोड़ा लैकिंग कर रहे हैं। उसके अलावा अगर थर्ड प्रायोरिटी की बात करें तो ये लार्ज मैन्युफैक्चरर है, मतलब कोई भी प्रोडक्ट को पहले एकदम बड़ी क्वांटिटी में बना देते हैं फिर उसके ऑर्डर लेते हैं, बिकॉज दे हैव अ वेरी गुड रिसर्च एरिया, उनको पता है किसको क्या चाहिए और इस हिसाब से इन्होंने ये सारा बहुत अच्छे से डेवलप करके रखा हुआ है। तो क्या होगा कि पहले से उनके पास इतना ज्यादा क्वांटिटी में गुड्स हैं कि अगर कोई भी ऑर्डर देगा ना तो विद इन अ वी कैन से हाफ एन आवर या तो 1 आवर 2 आवर दे विल गोइंग टू प्रिपेयर द गुड्स, पैकिंग द गुड्स। यस, बट ये तीनों चीजों को अगर हम फोर्स करें तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के अंदर धीरे धीरे हम बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं राइट नाउ, पोर्ट को भी हम डेवलप कर रहे हैं और हमारे जो रोड नेटवर्क्स है खासतौर पर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को देखते हुए उनको भी बहुत अच्छे से डेवलप कर रहे हैं अलग अलग स्कीमों के थ्रू। सेकेंडली, इंडियन गवर्नमेंट ने अभी अभी खुद के जो कंटेनर्स है वो भी बनाना चालू कर दिए हैं, 3,000 कंटेनर का ऑर्डर ऑलरेडी दे चुके हैं एंड आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि अगले 3 से 4 सालों में 20,000 से ज्यादा कंटेनर जो हमारे खुद के होंगे। तो बट ऑब्वियसली हमको कंटेनर के लिए किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। थर्ड वन, हमारा वेज जो है वो सस्ता ही है तो हम प्रोडक्ट तो सस्ता बनाते ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि चाइना के सामने हम सस्ता प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं। आई एम टेलिंग यू, चाइना जितना एक्सपोर्ट करता है ना उसमें से 15-16% प्रोडक्ट ऐसा है जो उनसे हम सस्ता बनाते हैं या तो उनके जितने ही दाम में बनाते हैं और उनसे अच्छा क्वालिटी भी बनाते हैं। बट ये क्या है कि माइंड में फिक्स हो चुका है कि चाइना मतलब बहुत सस्ता बहुत सस्ता। नो, देर आर नो काइंड ऑफ द पैरामीटर्स दोस्तों। अगर आप अलग अलग सेक्टर को फोकस और स्टडी करेंगे यू विल फाइंड आउट दैट कि इसके अंदर इंडिया के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, जिसमें सबसे ऊपर आप देखिए आज हमारा सिरामिक सेक्टर है। आज से 8 साल पहले चाइना वॉज अ लीडिंग एक्सपोर्टर इन सिरामिक प्रोडक्ट्स। पिछले 8 साल से आप देखिए इंडिया जो है उसके अंदर लीड कर रहा है और आज सिरामिक प्रोडक्ट में दुनिया में नंबर 1 है। यस, तो ये हमारा रिसर्च एंड स्टडी है प्रॉपरली। सेकेंड नंबर पे अभी हम आगे बढ़ रहे हैं अलग अलग केमिकल्स प्रोडक्ट के अंदर, जिसमें भी हम अभी लीडिंग एक्सपोर्टर के तौर पे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, एंड उसके अलावा प्लास्टिक प्रोडक्ट के अंदर। और अगला आने वाला जो हमारा फोकस एरिया है वो है फूड प्रोडक्ट, बिकॉज यू ऑल आर नोइंग दैट कि इतना हमारा पॉपुलेशन है, इतना डाइवर्स हमारे पास अलग अलग वी कैन से कल्चर है, तो बट ऑब्वियस है हमारे पास बहुत सारा डाइवर्स फूड प्रोडक्ट भी है जो दुनिया को अभी पता नहीं है। जब हम उसको रिप्रेजेंट करना चालू करेंगे तो यू डेफिनेटली गोइंग टू टेस्ट इट एंड वो उसको लाइक करेंगे एंड डेफिनेटली वी विल गोइंग टू एक्सपोर्ट इट इमेंसली। यस, तो उसके अलावा आप देखिए नीचे दिया गया है फुटवे, तो ये मैंने आपको बताया चाइना के सामने जो भी मतलब पॉजिटिव पैरामीटर्स है हमारे लिए वो। उसके अलावा फुटवेयर, गेटर्स एंड एटसेट्रा प्रोडक्ट, जिसके अंदर भी आप देखिए चाइना 7,000 करोड़ से ऊपर का एक्सपोर्ट करता है जबकि हमारा ओनली 144 करोड़ का एक्सपोर्ट है। आप सोचिए फुटवेयर में भी वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर। अगर आप यूपी के अंदर आगरा के आजू बाजू का एरिया देखेंगे तो उसमें इतना चमड़े से प्रोडक्ट तैयार होता है, हालांकि मुझे शायद पता नहीं है कि चाइना के अलावा कोई एक जगह पे इतना ज्यादा चमड़े से बनता हुआ कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता होगा। सो वेरी बिग इंडस्ट्री एंड आई एम टेलिंग यू वेरी चीप प्रोडक्ट्स। तो मैं खाली कनाडा की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्ल्ड वाइड बहुत सारे कंट्रीज है जिसके अंदर हम इसको फोकस कर सकते हैं। यस, तो बट ऑब्वियस कनाडा इज वन ऑफ देम। ऑर्गेनिक केमिकल्स, बट ऑब्वियस ऑर्गेनिक केमिकल्स की रेगुलर रिक्वायरमेंट होती है अलग अलग प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए। ग्लास एंड ग्लासवेयर की प्रोडक्ट एंड उसके अलावा सिरामिक प्रोडक्ट। आप देखिए सिरामिक प्रोडक्ट के अंदर भी दोस्तों 98% का हमारे पास पोटेंशियल अभी अनटैप्ड है। 33,000 करोड़ का फिर भी वो एक्सपोर्ट करते हैं सिरामिक का, जबकि हम 58 करोड़ का करते हैं। हालांकि हमारा मेन एक्सपोर्ट जो होता है वो यूएस एंड यूरोपियन कंट्री में होता है, अब हमने धीरे धीरे अफ्रीकन कंट्री को टैप करना चालू किया है, बट फिर भी ये कंट्री के अंदर भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है जिसको हम टैप कर सकते हैं। उसके अलावा आर्टिकल्स ऑफ प्लास्टर सीमेंट वगैरह जो कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज होते हैं, मिसेलेनियस केमिकल प्रोडक्ट एंड एडिबल वेजिटेबल फ्रूट एंड जो सर्टेन रूट्स एंड ट्यूबर्स है जिसके अंदर भी हमारे पास 86% का अनटैप मार्केट है। ये देखिए एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट ऐसा है जिसके अंदर हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा है जबकि चाइना का कम है। सो डेफिनेटली इसके अंदर कहीं ना कहीं हम 100% जो है वो उनसे आगे है और ये एक सेक्टर है जिसके अंदर हमने बहुत अच्छा ग्रोथ लिया हुआ है और फिर भी इसके अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आगे के टाइम में भी अवेलेबल है। क्लॉक्स एंड वॉचेस की बात करें तो इसके अंदर भी बहुत सारा अनटैप मार्केट अवेलेबल है। सीरियल्स एंड फ्लोर जो मैंने आपको बताया, मिल्क और मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट, इसके अलावा सीरियल बेस्ड जो प्रोडक्ट होती है इनके अंदर जो मार्केट है वो भी बहुत बढ़िया है। एडिबल फ्रूट एंड नट, जिसके अंदर प्योर जो फ्रूट्स आते हैं, मतलब जो ओरिजिनल माने जो फ्रेश फ्रूट होते हैं, यस फ्रूट एंड वेजिटेबल्स एंड कारपेट एंड वुलन, जिसके अंदर भी आप देखिए तकरीबन 63% का अनटैप मार्केट है। यस, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट अगर हम बात करें सुगर बेवरेजेस, वूलन प्रोडक्ट का भी बहुत अच्छा मार्केट है बिकॉज ठंडे इतना है कि वुलन प्रोडक्ट वो प्रीफर करते हैं। ओनली 8 करोड़ का हम एक्सपोर्ट करते हैं, ओनली 8 करोड़, जबकि चाइना 140 करोड़ का एक्सपोर्ट करता है। तो डेफिनेटली ये भी हमारे लिए बहुत ही अच्छा और फोकसेबल एरिया है। कॉटन प्रोडक्ट और उसके अलावा फर्टिलाइजर एंड कोकोआ एंड प्रिपरेशन। यस,
तो दोस्तों दीज आर द डिफरेंट प्रोडक्ट्स जिसके अंदर अनटैप मार्केट की अगर हम बात करें, तो बाकी का तो मैंने कुछ यहाँ पे मेंशन भी नहीं किए हैं। ये कुछ ऐसी मैंने फोकसेबल प्रोडक्ट मेंशन की हुई है जो प्रोडक्ट्स अल्टीमेटली इंडिया से बहुत अच्छा तैयार होता है और इसका हम वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट भी अच्छे तौर पर कर रहे हैं, तो जिसके लिए इन प्रोडक्ट को उठा के आप चाइना के लिए बिल्कुल फोकस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों फोकस सेक्टर के बारे में। तो ये जो प्रोडक्ट मैंने आपको बताई उसी में से खास तौर पे फर्नीचर बेडिंग एंड मैट्रेसेस वाली जो प्रोडक्ट है जिसमें आप ये पिक्चर में दिख रहे हैं उस तरह से कुशन हो गया, फिर बेड मैट्रेसेस हो गए, उसके अलावा रेगुलर फर्नीचर जो लकड़े से तैयार होता है, उसके अलावा अलग अलग जो प्रिपरेशन हम तैयार करते हैं। यस, तो डेफिनेटली इट इज द वेरी गुड प्रोडक्ट टू बी फोकस्ड इन कैनेडा टू बी एक्सपोर्टेड। सेकेंड नंबर पे अपेरल एंड क्लोथिंग जिसके अंदर वुमेन अपेरल, चाइल्ड अपेरल्स, मैन अपेरल्स, एडल्ट वगैरह सब, जिसके अंदर भी वो बहुत बड़ा मार्केट है बिकॉज नेट इम्पोर्टर है सारे अपेरल्स प्रोडक्ट के लिए। और देर आर सेवरल इंडियंस, 18 लाख इंडियंस आर लिविंग इन कैनेडा, तो बट ऑब्वियस है उन लोगों के पास ट्रेडिशन वगैरह सब वहां पे नहीं मिलता है, तो ये प्रोडक्ट का भी वो बहुत अच्छे से इम्पोर्ट जो है वो इस कंट्री में करते हैं बिकॉज डेफिनेटली जहां जहां पे इंडियंस है वहां पे वो त्योहार तो मनाते ही है, तो कलर से लेकर सारी चीजें इम्पोर्ट करते हैं, प्रिपरेशन के तौर पर ढोल नगाड़ा सब इम्पोर्ट करते हैं, तो उनमें से ये एक बहुत अच्छा फोकसेबल एरिया है जो है अपेरल एंड क्लोथिंग। नेक्स्ट वन इज सिरामिक प्रोडक्ट, बट ऑब्वियस इसके बारे में हमने बहुत सारी चीज बातें की जिसके अंदर सिरामिक टाइल्स हो गया, सिरामिक से जो प्रिपरेशंस होते हैं खास तौर पे किचन वेयर हो गया, फिर उसके अलावा सैनिटरी एसेसरीज हो गया, तो ये सारे जो ऐसे एरियाज हैं जिसके अंदर हम फोकस कर सकते हैं। ये बाजू में आपको जो दिया गया है उस तरह का प्रोडक्ट्स जैसे कि खास तौर पे सैनिटरी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग बेसिन वगैरह। यस, देन आफ्टर द नेक्स्ट वन इज केमिकल प्रोडक्ट्स। तो बेसिकली केमिकल प्रोडक्ट्स, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग भी वहाँ पे बिल्कुल नहीं है, बहुत कम केमिकल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो डेफिनेटली वो जो रेडीमेड मतलब जो मेडअप प्रोडक्ट्स है, जो तैयार फिनिश प्रोडक्ट है, उसका ज्यादा इम्पोर्ट भी करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कलर्स फॉर द डिफरेंट काइंड ऑफ द प्रिपरेशन फूड के अंदर, तो फूड कलर जो है उनका भी खासा बहुत अच्छा इम्पोर्ट करते हैं। उसके अलावा घर के अंदर जो हाउस होल्ड चीजें यूज होती है जैसे हार्पिक वगैरह सब जो होते हैं, जो क्लीनिंगनेस के यूज होते हैं, वो भी सब इम्पोर्ट करते हैं। और उसके अलावा कुछ ड्रग्स बनाने के लिए जो केमिकल्स है उनका एपीआई वगैरह का भी बहुत सच्चा इंपोर्ट है। इंडियन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो दीज आर द प्रोडक्ट जैसे कि आप देख सकते हैं, ये करी पेस्ट है, चिकन करी पेस्ट, तो डेफिनेटली रेडीमेड प्रिपरेशन के लिए करी का भी बहुत अच्छा इंपोर्ट होता है। ये सब क्विक फूड्स है जिसके अंदर ये गुजराती दाल राइस है, आपको गर्म पानी डालना है, उसको 2 मिनट 5 मिनट के लिए रख दीजिए एंड इट विल बी रेडी। यस, फिर ये इंडियन भाकरी है, गुजराती सुबह में भाकरी खाते हैं, शायद और किसी कल्चर के अंदर ब्रेड वगैरह सब खाते होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से सब मॉर्निंग के अंदर रोटी या भाकरी मतलब जो ये अपना क्या बोलते हैं उसको व्हीट से जो प्रिपरेशन होता है वो यूज करते हैं। यस, तो ये ऐसी भाकरी है जिसका शेल्फ लाइफ 6 मंथ to 9 मंथ है, तो डेफिनेटली देर आर सेवरल इंडियंस जो भाकरी भी प्रिफर करते होंगे। यस, उसके अलावा ये जो मैंने आपको बताया था ये पाउडर फॉर्म में है शरबत, तो कुछ नहीं करना है, खाली एक सेशे जो है वो आपको ग्लास में डालना है, पानी डालना है एंड इट विल बी रेडी। यस, तो ये रिफ्रेशिंग होता है और ऐसा ही होता है जैसा कि आप ओरिजिनली शरबत पीते हैं, तो डेफिनेटली इसके अंदर भी बहुत सारे फ्लेवर्स हैं जिसके अंदर नेचुरल फॉर्म पे नींबू हो गया, उसके अलावा श्रॉफ यानी कि वरियाली हो गया, इसके अलावा पाइनएप्पल, गुआवा, इन दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ दी वी कैन से फ्लेवर, जिसका भी बहुत अच्छा इम्पोर्ट जो है एक्सपोर्ट जो है वो हम कर सकते हैं इंडिया से, और वहाँ पे इंडियंस भी है तो बट ऑब्वियसली वो इम्पोर्ट करके फिर वहाँ के जो लोकल्स हैं उनको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन इट इज गिवन दैट शोले राइस, दोस्तों ये कंपनी है MYM जो स्पेसिफिकली शोले राइस, ऐसी जो अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं ना, छोले राइस और उसके अलावा जो अलग अलग हमारी इंडियन फूड प्रिपरेशन होता है फुल डिश, यानी कि अगर मान लीजिए कोई आपका पंजाबी डिश है जिसके अंदर दो सब्जी है, रोटी है, जामुन है, गुलाब जामुन और इसके अलावा राइस एंड दाल फ्राई है, उसको रेडी प्रिपेयर्ड को, मैं ड्राई नहीं बोल रहा हूँ, ड्राई नहीं है, प्रिपेयर्ड फूड को वो इस तरह से पैक करते हैं जिससे कि उसका शेल्फ लाइफ 12 महीने का हो और वो 12 महीने तक अच्छा रहे, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये प्रिपरेशन करते हैं। साथ में ये एक ऐसा बैग देते हैं जिनके अंदर आपको कोई भी तरह का पानी डालना है, ठंडा या गर्म उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप खाली थोड़ा पानी डाल दीजिए जितना उसके अंदर लेवल दिखा हुआ है, उतने लेवल तक पानी डालेंगे ना तो उस पानी डाल के उसके बाद ये जो पूरा का पूरा इसके अंदर एक पाउच निकलेगा मतलब पैकिंग निकलेगा, वो पैकिंग को निकालना है और वो बैग में डाल देना है, विद इन द 10 to 15 मिनट इट विल बी हीट ऑटोमेटिकली, मतलब वो केमिकल प्रोसेस है, मतलब वो ये फूड ग्रेड का पैकेजिंग है तो इसको कोई अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन वो कंप्लीटली एकदम गर्म हो जाता है 15 मिनट के अंदर, आप निकाल के वेपर खोल के सीधा उसको फिडअप कर सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द फिनिश्ड पंजाबी डिश, और ऐसी एक प्रोडक्ट नहीं है, आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा देर आर सेवरल प्रोडक्ट दे आर डीलिंग इवन इन पानीपुरी। आई एम टेलिंग यू
लास्ट आई थिंक 2 या 3 मंथ पहले पोलैंड के अंदर उन्होंने पूरा एक कंटेनर भेजा था पानी पूरी का, जिसके अंदर उसका मसाला भी है, उसके जो फ्लेवर्स होते हैं उनका उनके रिगार्डिंग पानी भी है, और अल्टीमेटली जो पूरी आती है ना वो भी है। तो यू सी इंडियंस आर नॉट बिहाइंड इन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। अगर हम प्रॉपरली उसके ऊपर वर्कआउट करना चालू करें तो हमारी कोई भी फूड आइटम को हम शेल्फ लाइफ देके वर्ल्ड वाइड हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यस एंड सो आई एम टेलिंग यू दैट कि इंडियन फूड हैज लॉट्स ऑफ पोटेंशियल माय फ्रेंड। दिखाना चालू करिए, जब वो दिखेगा तब दिखेगा। एंड देर आर सेवरल कंपनीज, ये तो मैं खाली आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे बाजू में दिया है कोकोनट फिश चटनी। आप देखिए साउथ में भी इतना सारा ऐसा प्रिपरेशन होता है कोकोनट से जो आपने कभी सुना भी नहीं होगा लाइफ में। एंड इनका भी बहुत बड़ा एक्सपोर्ट है क्योंकि ये इंडियन क्यूजिन है, और बहुत आई एम टेलिंग यू दैट कि ये एकदम स्वादिष्ट भी होता है। मतलब अगर मान लीजिए कोई भी फॉरेनर भी उसको खाएगा ना तो उसको मजा आ जाएगा। यस तो आप सब जानते हैं जहाँ पे इंडियंस रहते हैं, खासतौर पे एग्जाम्पल के तौर पे जो मुझे पता है मैं आपको बताता हूँ कि गुजराती जहाँ पे रहते हैं ना न्यू जर्सी के अंदर, वहां पे वहां के जो लोकल्स है ना वो भी अभी बाजरी के रोटले एंड वगैरह सब खाते हैं, बाकरी वगैरह सब खाते हैं। तो डेफिनेटली जहां जहां पे इंडियंस है उन्हें उन्होंने बाकी के लोगों को सिखा दिया है कि किसको हम पर्टिकुलरली क्या बोलते हैं उसको, ऑर्गेनिक फूड बोलते हैं, या तो जो शरीर के लिए अच्छा है, मतलब जो प्रॉपर वर्ड मैं अभी भूल गया हूँ, लेकिन वी कैन से एथनिक फूड बोलते हैं इसको। ठीक है, तो दीज आर द एथनिक फूड, ब्रेड्स एंड आर नॉट द एथनिक फूड वी कैन से। सो दीज आर द एथनिक फूड जो हम सालों से खाते आ रहे हैं और हमारे ट्रेडिशन में है। तो डेफिनेटली दीज आर द प्रोडक्ट जो लोगों को दिखना चालू होगा तो डेफिनेटली वो बिकना चालू होगा। यस देन आफ्टर दीज आर फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, नेट इम्पोर्टर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। दोस्तों नेट इम्पोर्टर्स, ग्रोइंग कुछ भी नहीं है और बहुत कम है, जितना भी है वो वहां पे जो उसकी पॉपुलेशन है उनको पूरा नहीं पड़ता है। तो अगर हम बात करें इंडिया से एक्सपोर्ट की तो बहुत सारी क्वांटिटी में हम कैनेडा के अंदर ऑलरेडी ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें ये टॉप कॉमोडिटीज मैंने ली हुई है, जिसमें खास तौर पे कैरोट है, फिर टोमेटो है, ऑनियन हो गया, ओकरा हो गया, जैसे कि लेडी फिंगर, उसके अलावा आप देख सकते हैं कॉर्न एंड ग्रेप्स एंड मैंगो। दीज आर द प्रोडक्ट जो टॉप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है और यहाँ से बहुत मात्रा में एक्सपोर्ट ऑलरेडी हो रहा है। यस अगर हम बात करें इंडियन इम्पोर्ट्स की दोस्तों, मतलब इंडिया से इंडिया क्या क्या प्रोडक्ट इम्पोर्ट करता है कैनेडा से, तो टोटल हम 27,000 करोड़ का इम्पोर्ट करते हैं। हालांकि हमारा ट्रेड जो डेफिसिट है ना वो नेगेटिव है, तो बट ऑब्वियस आप देख सकते हैं कि इंडिया का एक्सपोर्ट 20,000 करोड़ का है जबकि इम्पोर्ट 27,000 करोड़ का है। तो लेट्स सी जितना अच्छा अपॉर्चुनिटीज एक्सपोर्ट में है उतना अच्छा अपॉर्चुनिटीज इम्पोर्ट में भी है। तो देर आर सेवरल इंडियंस अवेलेबल इन कैनेडा, तो वो वहां से प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं इंडिया के अंदर जो हमारी जरूरियात है, और जो इंडिया के अंदर अवेलेबल नहीं है जो उनके पास नेचुरल रिसोर्स में बहुत अच्छे से अवेलेबल है। यस तो लेट मी गिव यू सम बेसिक प्रोडक्ट, लाइक सबसे पहले तो एडिबल वेजिटेबल एंड सर्टेन रूट्स, खास तौर पे जो ये अलग अलग वी कैन से जो सब्जी वगैरह सब होते हैं या तो जो प्लांट्स है उसके रूट होते हैं, यस रूट एंड ट्यूबर्स, उसका बहुत बड़ा इम्पोर्ट हम करते हैं। आप देखिए लास्ट ईयर हमारा इम्पोर्ट 285 करोड़ का था, सॉरी 2853 करोड़ का, 2800 करोड़ से ऊपर का हमारा इम्पोर्ट था, जबकि हमारा एक्सपोर्ट बहुत कम है 100 करोड़ का आजू बाजू, मतलब कैनेडा के अंदर। फिर उसके बाद है पल्प ऑफ वुड, खास तौर पे इंडिया के अंदर क्या है कि स्ट्रिक्ट पॉलिसी है पेपर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, एज यू ऑल आर नोइंग दैट। यस क्योंकि हमारे पास इतना अभी जंगल नहीं बचा है तो डेफिनेटली हम ज्यादा वृक्ष को काट नहीं सकते अब, तो वी आर नेट इम्पोर्टर ऑफ दिस काइंड ऑफ द प्रोडक्ट। एंड आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो वेस्ट एंड स्क्रैप है ना इसका बहुत बढ़िया इम्पोर्ट है, 47 नंबर चैप्टर के अंदर आपको मिलेगा ये। तो देर आर सेवरल वी कैन से पेपर प्रोडक्ट्स और वी कैन से दिस कॉर्गेटेड बॉक्स प्रोडक्ट जिनका हम इम्पोर्ट करते हैं। अब देखिए ये सारी वो कंट्रीज है जिनके अंदर आप न्यूज़पेपर वगैरह सब निकालेंगे या तो जो उनके लिटरेचर और जो मैगजीन देखेंगे ना तो इतने मतलब टॉप लेवल पे और इतना क्लियर प्रिंटिंग और इतना अच्छा पेपर होता है कि वो यहाँ पे आप लाएंगे ना तो उनका रीयूज करके भी आप बहुत बेहतरीन क्वालिटी से बुक्स बना सकते हैं, मतलब सुपीरियर ग्रेड के बुक्स जो आज आप हमारी स्टेशनरी वगैरह में सब मिलते हैं। यस तो ये प्रोडक्ट का आप देखिए एवरी ईयर 1900 करोड़ से ऊपर का इम्पोर्ट है, खास तौर पे वेस्ट एंड स्क्रैप का, तो वी आर द लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ दिस प्रोडक्ट। या देन पेपर एंड पेपर बोर्ड जो मैंने आपको बताया इसका भी 1000 करोड़ का, मतलब अगर टोटल स्क्रैप देखें तो 2900 करोड़ का टोटल इम्पोर्ट करते हैं। देन एल्यूमिनियम एंड आर्टिकल्स, बट ऑब्वियस एल्यूमिनियम प्रोडक्ट का भी हम नेट इम्पोर्टर है बिकॉज हमारे यहाँ इतना उसका उत्पादन नहीं है, तो डेफिनेटली हम मैन्युफैक्चरिंग तो बहुत सारा करते हैं एल्यूमिनियम वगैरह सब प्रोडक्ट से, तो हमारी रिक्वायरमेंट है, वी आर द नेट इम्पोर्टर। कॉपर एंड आर्टिकल्स प्रोडक्ट जो है उनके अंदर भी हम इम्पोर्ट करते हैं, ऑर्गेनिक केमिकल्स एंड रबर प्रोडक्ट्स, सो दीज आर द नेट इम्पोर्टिंग प्रोडक्ट जो हम इंडिया सॉरी कैनेडा से इम्पोर्ट करते हैं। तो जो लोग कैनेडा के अंदर है वो इन प्रोडक्ट को फोकस कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे आर्टिकल्स है
जिसके अंदर हमारा इम्पोर्ट बहुत अच्छा है, लेकिन ये मेन आर्टिकल्स मैंने आपको बताया है जिनके अंदर सबसे ज्यादा इम्पोर्ट हमारा होता है। सो जो कैनेडियंस है, जो कैनेडा के अंदर बेस्ड है, दे कैन फोकस ऑन दैट एंड दे कैन ऑल्सो एक्सपोर्ट दिस प्रोडक्ट टू द इंडिया। या चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हेल्पफुल बॉडीज फॉर द बायलेटरल ट्रेड। अब ये जो है ना वो इंपॉर्टेंट एरिया इसलिए है कि अगर आप मान लीजिए कनाडा की रिगार्डिंग बिजनेस की स्टडी करना चाहते हैं तो आप कहाँ से कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज के बारे में इंफॉर्मेशन रखी हुई है, जिसमें सबसे पहले आएगा इंडियन एम्बेसी इन कैनेडा, ये ओटावा के अंदर है। बट ऑब्वियस देखिए दोस्तों, आपका अगर कैनेडा के अंदर कोई रिलेटिव है कि नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस वन इज द बिगेस्ट रिलेटिव ऑफ योर्स। हालांकि कनाडा के अंदर किसी का रिलेटिव नहीं होगा, मुझे बिल्कुल उसके इस बात के ऊपर शक है, क्योंकि कोई फैमिली ऐसा नहीं होगा जिसके रिलेशन में दूर दूर तक कोई कनाडा से ना हो। यस, कोई ना कोई तो जरूर होगा, बट देन ऑल्सो इंडियन एम्बेसी इज वन ऑफ द बिगेस्ट रिलेटिव ऑफ योर्स। अगर आपको कोई भी असिस्टेंस चाहिए, अगर आप कनाडा के अंदर बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं और इसके लिए रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो डेफिनेटली यू कैन कनेक्ट विद द इंडियन एम्बेसी इन कैनेडा। दे विल गोइंग टू हेल्प यू इमेंसली इन एवरी पैरामीटर्स। आप कोई भी चीज को लेके, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कंपनी सेटअप के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, या तो उसके रिगार्डिंग कोई भी चीजों के बारे में, तो डेफिनेटली यू कैन कनेक्ट देम। या नेक्स्ट वन इज द डायरेक्टरीज। अब मैं बताता हूँ आपको कुछ ऐसी कैनेडियन वेबसाइट जिसके ऊपर आप जाके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है डायरेक्टरीज ऑफ कैनेडियन कंपनीज। यस, तो लेट मी शो यू द वेबसाइट ऑफ इट। यस, सो वेबसाइट इज अवेलेबल ना? यस, ओके। तो दोस्तों आप देखिए यहाँ पे आपको अलग एक एक वेबसाइट दिया हुआ है, ये कनाडा का खुद का वेबसाइट है, गवर्नमेंट वेबसाइट है, और यू कैन सी दिस डायरेक्टरीज ऑफ कैनेडियन कंपनीज। यू जस्ट सिलेक्ट द कैनेडा बिजनेस रजिस्ट्रीज एंड जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो यू विल फाइंड आउट दैट इट इज गिवन दैट ऑल लोकेशन। यू जस्ट पुट डाउन योर नेम वर्ड लाइक आई एम सिलेक्टिंग फूड एंड जस्ट सर्च इट आउट एंड यू विल फाइंड आउट दैट फूड के रिगार्डिंग जितनी भी कंपनी वहां की होगी ना, इसका ये इन्फॉर्मेशन दे देंगे। एंड द रिजल्ट वॉज, रिजल्ट इज यू सी 919 रिजल्ट अवेलेबल है, एंड दीज आर ऑल द कंपनीज जो फूड के अंदर काम करती है। आप कोई भी कीवर्ड डालिए एंड यू विल डेफिनेटली फाइंड आउट द नंबर ऑफ कंपनीज ओवर हियर। आई एम नॉट टेलिंग दैट कि ये इंपोर्टर है कि नहीं है, बट ये फूड के अंदर काम करती कंपनी है। अब इसका वेबसाइट जब आप चेक करेंगे गूगल में जाके, तो डेफिनेटली यू विल गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दोज कंपनीज। यस, सो इन दैट वे कोई भी सेक्टर आप ले लीजिए, जस्ट यहाँ पे आपको अपना सर्च जो कीवर्ड यूज करना है उसको सर्च करना है एंड यू विल फाइंड आउट नंबर ऑफ कंपनीज एस्टैब्लिश्ड इन कनाडा। ठीक है, टाइम की बदौलत मैं बहुत डिटेल में नहीं जा सकता हूँ, लेकिन यस मैं डेफिनेटली आपको ये बताना चाहूंगा अलग अलग ये इसका कौन कौन सा वेबसाइट है। सो द सेकंड वन इज कैनेडियन इंडस्ट्रीज स्टेटिस्टिक्स। दोस्तों अगर हम बात करें कैनेडा की इंडस्ट्रीज जो है वो किस लेवल पे डेवलप है और उनके क्या स्टेटिस्टिक्स है उसकी, तो ये उनका एक वेबसाइट है, इट इज अगेन कैनेडियन गवर्नमेंट वेबसाइट एंड इट इज सेइंग दैट कैनेडियन इंडस्ट्री स्टेटिस्टिक्स। आप देखिए ये अलग अलग उनकी सारी इंडस्ट्रीज है। अब मान लीजिए मैं एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर के तौर पे मुझे यहाँ पे बाजू में ये सब अलग अलग प्रोडक्ट दिया है। अगर राइस फार्मिंग की मैं बात करूँ तो राइस फार्मिंग में कैनेडा का इंडस्ट्री मतलब कैनेडा कितना डेवलपमेंट कर रहा है और या तो उसका कितना एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट है, इसके बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। यस, तो मोर इन्फॉर्मेशन आप ये वेबसाइट से ले सकते हैं, आपकी कोई भी प्रोडक्ट हो, क्योंकि वो HS कोड वाइज इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो डेफिनेटली यू कैन लर्न इट। या चलिए वापस हम आते हैं नेक्स्ट, कैनेडियन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस डायरेक्टरी, वहाँ के जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं अगर इनकी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो दिस इज व्हाट द लिंक फॉर दैट एंड यू कैन डेफिनेटली चेक आउट दिस फ्रॉम दिस वेबसाइट कैनेडियन ट्रेड इंडेक्स, जो उनका B2B वेबसाइट है। एंड यू जस्ट सिलेक्ट एनी प्रोडक्ट लाइक आई हैव सिलेक्टेड मेडिकल, आई एम जस्ट सर्चिंग इट आउट एंड यूल फाइंड आउट दिस आर ऑल द मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरर या तो इम्पोर्टर डिस्ट्रीब्यूटर कोई भी होगा तो इसके अंदर आ जाएगा। यस, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्लीटली, आप देखिए मेडिकल एंड हॉस्पिटल सप्लाईज, सो स्पेसिफिक कीवर्ड भी यूज किया है, तो दिस आर ऑल द डिफरेंट प्रोडक्ट्स अबाउट योर डिफरेंट काइंड ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। सो गोज हो गया सर्जिकल, उसके अलावा कॉटन एंड कॉटन जो प्रोडक्ट हो गया, ब्रेसेज एंड इलास्टिक हो गया, देर आर स्वैब्स एंड सैनिटरी प्रोडक्ट्स हो गया वगैरह। सो दीज आर द, और यहाँ पे दिया भी है कंपनी प्रोफाइल के अंदर, यस कितनी कंपनियां है वो। सो डेफिनेटली वेरी गुड डायरेक्टरी वी कैन से, एंड जो आपको आपके नॉलेज के अंदर वैल्यू एडिशन करेगा। नेक्स्ट वन इज द डूइंग बिजनेस इन कैनेडा। दोस्तों दिस वन इज द वेबसाइट जहाँ पे आप कैनेडा के अंदर जब बिजनेस करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, उनके क्या क्या कॉम्प्लायंसेज है, उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देगा। यू सी इट इज गिवन दैट इम्पोर्टिंग इन टू कैनेडा, यू वॉन्ट टू इम्पोर्ट इन कैनेडा, यस तो डेफिनेटली हाउ टू सेटअप एन इम्पोर्ट बिजनेस, हाउ टू मेक कॉन्टैक्ट्स अब्रॉड,
इम्पोर्ट कंडीशंस क्या क्या है और हाउ टू इम्पोर्ट। जब आप इसको स्टडी करेंगे तो यू विल फाइंड आउट एवरीथिंग। अभी मैं आपको ये वेबसाइट जो है वो दिखा रहा हूँ, इसके अंदर बहुत सारे कॉम्प्लायंसेज है, कॉम्प्लायंस के तौर पर मैं आपके आपको आगे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो आपको ये ज्यादा पता चलेगा। यस, कैनेडा इंडिया बिजनेस काउंसिल, दोस्तों कैनेडा और इंडिया के बीच में एक सेपरेट बिजनेस काउंसिल भी है। जब आप उस वेबसाइट को चेक करेंगे तो यू विल फाइंड आउट दैट कि वहां के जो इंडियंस हैं वो स्पेसिफिकली इंडियन एक्सपोर्टर को या तो इंडियन इंपोर्टर को सपोर्ट करते हैं ये काउंसिल के थ्रू। तो आप एक कम्युनिटी फाइंड आउट कर पाएंगे जो स्पेसिफिकली कैनेडा के अंदर है। एंड देन यू आर, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, दैट कैनेडा की इवन वहां की जो मतलब गवर्नमेंट है ना, पार्लियामेंट है, उसके अंदर भी इंडियंस अवेलेबल है। तो डेफिनेटली समवेयर हमारे लिए ये फ्रूटफुल हो सकता है और बिजनेस के अंदर भी हमको बहुत सारा बेनिफिट दे सकता है। तो डेफिनेटली ये बिजनेस काउंसिल जो है वो अब आपको बहुत मदद कर सकती है जब आप उसको प्रॉपरली कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वन इज द इंडो कैनेडा चैम्बर ऑफ कॉमर्स। जैसे कि हमारे अलग अलग कंट्री के साथ बायलेटरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, जिसमें से ये एक है इंडो कैनेडा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एरिया और वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी टू फोकस, बिकॉज ये भी उसी के लिए काम करता है कि इंडिया से मैक्सिमम प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कैनेडा में कैसे बढ़ाया जाए और किस तरह से इसके अंदर हम आगे बढ़ सकते हैं। यस, नेक्स्ट वन इज इंडो कैनेडियन बिजनेस एसोसिएशन फॉर द ब्रिटिश कोलंबिया। ब्रिटिश कोलंबिया इज अ स्टेट ऑफ कैनेडा, ये स्पेसिफिकली एक स्टेट के लिए, ऐसे ही बहुत अलग अलग स्टेट के लिए भी स्पेसिफिक वी कैन से इंडियन और कैनेडियन की एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स है और बिजनेस एसोसिएशन है। तो जब आप इस अलग अलग बॉडीज को कनेक्ट होंगे ना, तो डेफिनेटली यू विल फाइंड आउट लॉट्स ऑफ इंडियंस जो ऑलरेडी इम्पोर्ट के बिजनेस में है, या तो मान लीजिए वो वहां पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं प्रॉपरली एंड दे वांट द प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया और दे वांट टू सेल द प्रोडक्ट्स इन इंडिया। तो ये बायलेटरल होता है, तो बायलेटरल का मतलब दोनों तरफ से बिजनेस मिलना चाहिए। यस, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। दोस्तों अलग अलग स्टेट के खुद के चैम्बर ऑफ कॉमर्स होता है, जैसे मॉन्ट्रियल के आप ले लीजिए, आई डोंट नो मॉन्ट्रियल इज द स्टेट और नॉट, बट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए अगर मॉन्ट्रियल स्टेट है, क्यूबेक स्टेट है, तो बट ऑब्वियस है उनके रिगार्डिंग आप अलग अलग चैम्बर ऑफ कॉमर्स ढूंढ पाएंगे। और ये अलग अलग जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है ये भी आपको बहुत हेल्पफुल होता है बिजनेस सेटअप के अंदर। लाइक यू वांट टू इंपोर्ट इन दैट स्टेट, तो यहाँ पे स्टेट के भी रूल्स अलग अलग है। अगर मान लीजिए यहाँ इंडिया में क्या है कि आप अगर इंपोर्ट करते हैं तो गुजरात में लाइए या पंजाब में लाइए, रूल्स एक ही लागू होता है। यस, बट यहाँ पे स्टेट के भी कुछ अपने सेपरेट रूल है। गवर्नमेंट के सेंट्रलाइज रूल तो है ही, लेकिन सेपरेट स्टेट के भी रूल्स है, बिकॉज एवरी स्टेट वॉन्ट दैट कि भाई जो भी इंपोर्ट हम करें वो अल्टीमेटली हमारे इकोसिस्टम को कहीं ना कहीं हार्मफुल नहीं होना चाहिए। तो देखिए प्रिसाइज बहुत इनका इंपोर्ट के अंदर वर्कआउट भी है, और इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि इसको अगर स्टडी करके आप काम करेंगे ना, तो डेफिनेटली आपको कोई हरा नहीं सकता। यू कैन डू द प्रॉपर एक्सपोर्ट टू द कैनेडियन मार्केट एंड प्रिसाइज रूल्स। जैसे कि मान लीजिए आपका अगर कोई प्रोडक्ट वहां पे एक्सपोर्ट हुआ है और अगर मान लीजिए वो प्रोडक्ट फाइनली पैकेजिंग में है और उसका पैकेजिंग जो है जब उसको डिस्पोज करने की बात आती है तो वो भी कहीं ना कहीं कंपनी की जिम्मेवारी होती है। लाइक मान लीजिए कि कुशल भाई की एक कंपनी है जो कनाडा के अंदर में उनको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। यस, तो कुशल भाई जब इस प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कनाडा के अंदर, तो ये उनकी कंपनी की जिम्मेवारी है कि इसका डिस्पोज कैसे करना है, इसको भी प्रॉपर मेंशन किया जाए उनके पैकेजिंग के ऊपर। तो दिस काइंड ऑफ द पैरामीटर्स, जो बट ऑब्वियस है कंट्री उस तरह से डेवलप है तो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन भी उस तरह से होंगे। यस, तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट बॉडीज दोस्तों, जिनके थ्रू आप बहुत ही डिटेल इन्फॉर्मेशन ले पाएंगे। आई एम टेलिंग यू कैनेडा इज वेरी ओपन कंट्री, हाँ ओपन कंट्री इन द सेंस ऑफ ऑल आई एम टॉकिंग, लाइक माइग्रेशन में भी ओपन है, इंपोर्ट के अंदर भी इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, फिर मल्टीकल्चरलिज्म है। तो बट ऑब्वियसली अलग अलग अगर हम चीज़ों को फोकस करें, जैसे फूड हो गया या तो फिर मान लीजिए सैनिटाइजेशन हो गया, तो इसके अंदर भी बहुत लिबरल है। और इसके अलावा मैंने बताया उस तरह से कि जब हम बात करते हैं डेटा प्रोवाइडेड करने की बात बाबत में, तो यहाँ पे भी एकदम ओपन है, दे विल प्रोवाइड ऑल द काइंड ऑफ डेटा फ्रीली। इवन इम्पोर्टिंग कंपनीज के भी डेटा आपको ये वेबसाइट से कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। तो अगर वो आगे बीच में आता है तो आई विल शो यू, अदरवाइज दीज आर द फाइनल वेबसाइट जिसके अंदर आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन एक साथ मिल सकता है। यस, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं कॉम्प्लायंस इसके बारे में। दिस वन इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट एरिया टू बी फोकस्ड, बिकॉज कॉम्प्लायंस मतलब कोई भी कंट्री में जब आप इम्पोर्ट करना चाहे, या तो कोई भी कंट्री में मान लीजिए इंडिया से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उनके कॉम्प्लायंस समझने बहुत जरूरी है, बिकॉज एक्सपोर्ट इज इक्वल टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लायंस। दोस्तों बाकी एक्सपोर्ट में कुछ नहीं है, ये सिंपल एक प्रोसीजर है, बट यस क्या बेचना है और कहाँ बेचना है और कैसे बेचना है, ये बिजनेस बेचने का है। तो डेफिनेटली बेचना मतलब इट इज द वन ऑफ द टफेस्ट टास्क। यस, एंड उसके लिए जरूरी होता है उसका प्रॉपर स्टडी। तो याद रखिए एक्सपोर्ट में ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये चमत्कारिक बिजनेस है कि आज आपने चालू किया कल से आप करोड़ों कमाने लगेंगे जो पिक्चर में बताते हैं, नो वे। इट इज अ काइंड ऑफ बिजनेस जिसके अंदर समझ बहुत जरूरी है और अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है।
360 लेवल पे जब आप स्टडी करना चालू करेंगे एक एक पैरामीटर को समझ के, तब जाके अच्छे से आप प्रोडक्ट फाइंड आउट करके उसका धीरे धीरे काम चालू करेंगे। बट आई एम टेलिंग यू, एक बार आपका एक्सपोर्ट में हाथ लग गया ना, तो आप लोकल मार्केट में काम कभी भी नहीं करेंगे, बिकॉज दैट मच सोफिस्टिकेटेड वर्क एंड वेरी प्रॉपर। हाँ, उसके लिए जो अलग अलग सिस्टम है उसको समझना जरूरी है कि पेमेंटम क्या होता है, इंकोटम क्या होता है वगैरह, सारी जो इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस है। बट ये ऐसा नहीं कि खाली इंडिया के लिए है, वर्ल्ड वाइड आप कोई भी कंट्री पकड़ लीजिए, सबके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन सेम है। सो देर इज नो चेंज कि भाई मैं सूरत में बैठा हूं तो मेरा रूल्स अलग है, आप हैदराबाद में तो आपका रूल्स अलग है, मान लीजिए आप मुंबई में तो आपका रूल्स अलग है। नो वे, इवन यहाँ पे बिजनेस जो वर्ल्ड वाइड होता है ना, उसमें सारे कंट्रीज को एक ही रूल्स एंड रेगुलेशन यूज करने होते हैं, एंड पेपर वर्क भी उनका सेम ही होता है। यस, तो आई एम टेलिंग यू दैट, अंडरस्टैंड ऑलवेज दैट कि जितना अच्छे से आप स्टडी करेंगे, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये बिजनेस पेशन का बिजनेस है। आप जितना पेशनेट होंगे ना, उतना अच्छे से आप इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ पाएंगे। यस, तो चलिए बात करते हैं कॉम्प्लायंसेस की। दोस्तों सबसे पहला, द कैनेडा ड्यू टू द कंटिन्यूअस रिक्वेस्ट आई एम नॉट या सो द कैनेडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी CBSA डील्स विद द इम्पोर्टर्स अक्रॉस द वॉल वॉल रेंज ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स। तो दोस्तों जब भी आप कैनेडा के अंदर कोई भी प्रोडक्ट को इम्पोर्ट करते हैं, तो ये उनका एक एजेंसी है जिसका नाम है कैनेडा बॉर्डर सर्विस एजेंसी, जो कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है या तो इम्पोर्ट होता है, जैसे इंडिया के अंदर DGFT है, यस डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरन ट्रेड, जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को कहीं ना कहीं रेगुलेट करता है, वैसे ये कैनेडा का बॉडी है जो इसको रेगुलेट करता है। तो बट ऑब्वियस है, जितना अच्छा आपका इनका स्टडी होगा ना, इतना अच्छा आपको समझ में आएगा कि कौन सी प्रोडक्ट में क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसका वेबसाइट भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो बड़ा ऑब्वियस है, आप उसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू इंपोर्ट कमर्शियल गुड्स इनटू कनाडा, इट इज रिकमेंडेड दैट यू रजिस्टर विद द कनाडा रेवेन्यू एजेंसी टू ऑप्टेन अ बिजनेस नंबर। या तो अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं कोई भी प्रोडक्ट को कनाडा के अंदर, ये खासतौर पे जो कनाडा के अंदर सेटअप सेट हुए लोग हैं इनके बारे में बता रहा हूं, तो डेफिनेटली आप कनाडा रेवेन्यू एजेंसी को कांटेक्ट कर सकते हैं, जो आपको एक इंपोर्ट के लिए बिजनेस नंबर देगा और उनके थ्रू आप इंपोर्ट कर सकते हैं। देन आफ्टर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट परमिट एक्ट एंड इंपोर्ट कंट्रोल लिस्ट, दिस वन इज वेरी 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 इंपोर्टेंट माई फ्रेंड्स। ये एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट परमिट एक्ट, ये एक वहां का कानूनी एक्ट है, और इसके अलावा इंपोर्ट कंट्रोल लिस्ट भी उन्होंने बनाया है। तो इंपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में ऐसे HS कोड का लिस्ट है जिसके अंदर उन्होंने कंट्रोलिंग किया हुआ है कि इसको कितनी मात्रा में इंपोर्ट कर सकते हैं, या तो ये प्रोडक्ट को नहीं कर सकते, ये प्रोडक्ट को हम इंपोर्ट कर सकते हैं, उस तरह का लिस्ट, जैसा लिस्ट इंडिया में भी है जो DGFT ने तैयार किया हुआ है। तो ये इंपोर्ट कंट्रोल लिस्ट है, अगर आप ये लिस्ट को प्रॉपरली हम चेक करेंगे तो डेफिनेटली यू विल फाइंड आउट ऑल द थिंग्स रिगार्डिंग दैट। एंड इसको प्रॉपर स्टडी इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये स्टडी करना मतलब ऐसा नहीं है कि एक एक साल लग जाएगा, डेफिनेटली 2 से 3 दिन अच्छे से उसका वेबसाइट स्टडी करेंगे ना, तो यू विल फाइंड आउट एवरीथिंग जो उसके रिगार्डिंग लगता है। तो मैंने आपको आगे बताया था यस कि जब आप कैनेडा के अंदर इंपोर्ट करते हैं तो उसका एक बॉडी भी है जिसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि हाउ टू इम्पोर्ट इन कैनेडा। यस, तो अगर आप मान लीजिए कोई भी इम्पोर्ट करना चाहते हैं या तो इंडियन एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करना चाहता है, तो उनके क्या रिक्वायरमेंट्स है उनको समझना बहुत जरूरी होगा। गुड्स फॉर रिटेल सेल हैव टू कंप्लाई विद द लेबलिंग लॉज, एंड ये लेबलिंग लॉ फेडरली इम्पोज किया गया है। तो आई एम टेलिंग यू दिस वन इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू बी फोकस्ड, बिकॉज आप देखिए जितने भी डेवलप कंट्री है ना, इसमें लेबलिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है, बिकॉज कोई भी प्रोडक्ट ये लेबलिंग को चेक किए बिना नहीं खाते। अब देखिए अभी तो हमारे यहाँ क्या है कि धीरे धीरे एजुकेशन बढ़ रहा है, तो आप समझ सकते हैं लिटरेसी रेट हमारा इंडिया का बहुत कम है, तकरीबन 40-45%। यस, तो अभी लोग ये समझना, ये नई पीढ़ी में लोग ये समझ रहे हैं कि यस यू हैव टू चेक द लेवल दैट कि इसमें कितना शुगर है, कितना फैट है वगैरह सब, और उसके अलावा इसका एक्सपायरी डेट क्या है, खासतौर पर शेल्फ लाइफ क्या है। यस, ये अभी हम समझना चालू किया हमने, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं 95% से 99% लिटरेसी रेट है। सो यू सी, कोई भी प्रोडक्ट को वो हाथ में लेंगे ना, तो सबसे पहले कैलोरी चेक करेगा कि इसमें कैलोरी कितना है। तो बट ऑब्वियस दे आर हेल्थ कॉन्सियस, तो जब वो हेल्थ कॉन्सियस है तो डेफिनेटली यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एंड प्रॉपरली आपको उसको लेबल करना होगा, उनके लॉज है। लाइक आप जब न्यूट्रिशन लेबल करते हैं तो उसके अंदर आपको दिखाना होता है कि इसके अंदर कैलोरी कितना है, और कैलोरी का आपको ये भी दिया जाता है कि इसका ये जो फॉन्ट होगा ना वो साइज का क्या होगा। तो ऐसा नहीं कि आप कैलोरी जो इतने छोटे छोटे शब्दों में लिख दीजिए दिखेगी नहीं, यू हैव टू मेंशन दैट इन प्रॉपर फॉन्ट। लाइक उन्होंने बोला कि 7 साइज के फॉन्ट रखने हैं, तो यू हैव टू मेंशन इन 7 नंबर। तो याद रखिए दीज आर द कॉम्प्लायंस जो हमको क्लियर करने होंगे। यस, तो कॉम्प्लाई विद द लेबलिंग लॉज, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी आप कैनेडा के अंदर एक्सपोर्ट करना सोचे, खासतौर पर फूड प्रोडक्ट में बात कर रहा हूँ, बाकी बहुत सारी प्रोडक्ट ऐसे है जिसमें लेबलिंग का कोई इतना महत्व नहीं है,
बट फूड प्रोडक्ट में खास, जिसका हमारा बहुत एक्सपोर्ट है यहाँ से इंडिया से, और फ्यूचर में भी ये बढ़ेगा। तो अगर फूड का लेबलिंग आपने स्टैंडर्ड से किया हुआ है तो इम्पोर्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फूड एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैव टू पास द नेसेसरी हेल्थ एंड सैनिटरी सर्टिफिकेट्स, एज यू ऑल आर नोइंग दैट कि जो डेवलप कंट्री की गवर्नमेंट होती है वो हमेशा फूड प्रोडक्ट के ऊपर बहुत फोकस करती है। तो एग्रीकल्चरल एंड फूड प्रोडक्ट को अगर आपको वहाँ पे सेल करना है तो उनके कुछ हेल्थ एंड सैनिटरी चेकअप्स हैं, यस। तो आपको वो चेकअप जो है वो क्लियर करने होंगे, उनके जो स्टैंडर्ड और रूल्स एंड रेगुलेशन है वो पास करने होंगे, तब जाके आप उसका एक्सपोर्ट प्रॉपरली कर पाएंगे। एंड कॉन्टेक्ट द कॉड अथॉरिटीज। दोस्तों माने यहाँ पे एक ऑलरेडी वेबसाइट दिया हुआ है, कॉड अथॉरिटीज इन कैनिया टू एस्टेब्लिश वेदर योर प्रोडक्ट इज सब्जेक्ट टू टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट इन कैनेडा। माने कि ये कॉड अथॉरिटीज क्या होता है, इन्होंने जितना भी प्रोडक्ट इम्पोर्ट हो रहा है ना कैनेडा के अंदर दोस्तों, उन सारी प्रोडक्ट के ऊपर एक कोड नंबर दिया है। मतलब ये प्रोडक्ट की कैटेगरी में ये कोड, हर एक प्रोडक्ट में नहीं लेकिन उसके चैप्टर्स को। तो मान लीजिए कि अगर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है और उसको एक कोड दिया है, तो इस कोड के अंदर में कुछ पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए कि आप होली कलर एक्सपोर्ट करते हैं कैनेडा के अंदर, होली कलर, तो होली कलर जब आप एक्सपोर्ट करेंगे ना, तो वो एक कोड के अंदर आएगा जिसके अंदर ये लिखा होगा कि यू हैव टू मेंशन या यू हैव टू प्रोड्यूस द सर्टिफिकेशन ऑफ लेबोरेटरी, कि भाई ये कलर जो है वो स्किन को हार्म नहीं करेगा और ये एकदम नेचुरल फॉर्म से बनाया तैयार किया गया है, यस। तो नेचुरल इंग्रेडिएंट से तैयार किया गया है, तो डेफिनेटली उसका आपको लेबोरेटरी सर्टिफिकेट देना होगा। फिर ऐसा ना हो कि यहाँ से आपने वो सब प्रिपेयर नहीं किया, यहाँ से आपने एक्सपोर्ट तो कर दिया लेकिन वहां पे पोर्ट के ऊपर जाके अटक जाए, फिर आपको लगे अरे बाप रे मेरे को भी पता नहीं था, इंपोर्टर को भी पता नहीं था। कई बार ऐसा भी होता है कि इंपोर्टर को भी पता नहीं, वो बोलता है ठीक है आप भेज दीजिए, आई आई गोइंग टू चेक इट आउट, बट ऐसे नहीं होता है। फिर वहां पे पोर्ट पे जाके अटक गया ना, तो ये आपके लिए लंबा प्रोसेस हो जाएगा। सो आई ऑलवेज कंसिडर दैट और ऑलवेज इंसिस्टिंग दैट कि एवरीवन, जब भी आप एक्सपोर्ट के या इम्पोर्ट कोई भी बिजनेस के अंदर है, आप हमेशा कॉम्प्लायंसेस को चेक करें, बिकॉज अगर आपके क्लियर कॉम्प्लायंसेज नहीं होंगे तो गुड्स को अटकने के चांसेस पूरे हैं। और ये ऐसे कंट्री है जहां पे पैसे देके काम करना थोड़ा डिफिकल्ट है, होता तो वहां पर भी है लेकिन इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। सब ऐसे नहीं होंगे, आप समझ के चलिए 70-80% जो है वो क्लियर नहीं करेंगे, तो यू टू डंप इट, ठीक है, तो आपका 100% लॉस होगा। तो रिमेंबर माई वर्ड्स कि जब भी आप एक्सपोर्ट करते हैं तो ऑलवेज एक चीज को फोकस करिएगा। देखिए आई एम टेलिंग यू, देर आर सेवरल इम्पोर्टर्स जो नई नई प्रोडक्ट को ट्राई करते हैं और कई बार ऐसा हो जाता है कि उनको भी उनके कॉम्प्लायंसेज नहीं पता है। तो मेरा हमेशा ये मानना है प्रॉपरली कि जब आप एक्सपोर्ट कोई कंट्री में करते हैं ना, तो आप अपने इम्पोर्टर को, जो एस्टेब्लिश इम्पोर्टर है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर मान लीजिए आपने कोई ट्रेड एजेंट रखा है जो इंडियन है वहां का, मतलब वो इंडियन है लेकिन वहां पे वो सेटअप किया हुआ है, तो जब आप उनके थ्रू कुछ बिजनेस स्टार्टअप करते हैं, क्योंकि देर आर सेवरल पीपल जो आज इंडिया से वहां के अपने रिलेटिव्स के साथ कुछ बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, तो मैं आपको प्रॉपरली ये समझाना चाहता हूँ कि जब आप इस तरह का कोई स्टार्टअप करना चाहें ना, तो ऑलवेज रिमेंबर कि आप पहले उनको पूरा स्पून फीडिंग करवाइए। बिकॉज जब आपका स्पून फीडिंग होगा ना प्रॉपर, तो क्या होगा, वो बंदे को ये समझ में आएगा कि अगर मैं इम्पोर्ट करना चाहता हूँ तो ये प्रोडक्ट के अंदर क्या कॉम्प्लायंस समझने जरूरी है। तो ऐसा नहीं कि आप उसके ऊपर छोड़ दीजिए कि भाई तू स्टडी कर ले फिर मेरे को बता कि इसमें क्या क्या जरूरी है तो मैं तैयार करूँ, ना, आप खुद भी स्टडी करिए, क्योंकि आपका प्रोडक्ट है, आप अच्छे से जानते हैं, अगर आप अच्छे से स्टडी करेंगे ना तो डेफिनेटली आप उनको प्रॉपर गाइड कर पाएंगे। और यहाँ पे गाइडेंस का बहुत इंपॉर्टेंस है, यस। तो डेफिनेटली इससे आपका प्रोडक्ट जो है वो प्रॉपरली एक्सपोर्ट होगा और वो बंदा प्रॉपरली उसको इम्पोर्ट कर पाएगा। आई एम टेलिंग यू, इनिशियल फेज पे इन सारी चीजों को चेक करना, ये थोड़ा लेंदी हो सकता है, टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, बट उसके बाद का जो फ्रूट मिलेगा ना आपको, वो बहुत मीठा लगेगा। गॉट इट? बिकॉज यूज मार्जिन मनी। और डेफिनेटली ऐसा कंट्री है जहां पे एक बार कंजम्पशन अच्छे से चालू हो गया तो वो रेगुलर बेस पे रहेगा। तो आप लॉन्ग टर्म फ्रूट्स को फोकस करेंगे तो आपको ये शॉर्ट टर्म जो कॉम्प्लायंसेस के जो चैलेंजेस है ना, वो इतने नहीं दिखेंगे। और चैलेंजेस हर कोई बिजनेस में होते हैं, वैसे ही चैलेंजेस यहाँ पे कॉम्प्लायंस के हैं। तो दोनों तरफ से अंडरस्टैंडिंग बहुत होनी जरूरी है, एवरीथिंग हैव टू बी चेक्ड। एंड सेकेंडली, शुरुआत में कम क्वांटिटी में गुड्स को एक्सपोर्ट करें, जिससे क्या हो कि वो उनके कॉम्प्लायंसेज जो है वो कस्टम के समझ पाए, एंड उसके बाद अगर कहीं पे भी कुछ अटकता है तो उसको तैयार कर पाए, ठीक है। उसके बाद आप कंटेनर बेस के ऊपर जा सकते हैं, यस। चलिए, तो ये कोड अथॉरिटीज के लिए भी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी वेबसाइट दी हुई है दोस्तों, तो जब आप इसको क्लिक करेंगे तो डेफिनेटली यू विल फाइंड आउट ऑल द डिफरेंट कोड्स फॉर द डिफरेंट प्रोडक्ट्स, यस। एंड ग्लोबल अफेयर कैनेडा, दिस वन इज द ब्यूटीफुल वेबसाइट ऑफ कैनेडियन गवर्नमेंट, एंड जिसके अंदर भी बिजनेस के रिगार्डिंग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। सो दिस इज व्हाट द वेबसाइट ग्लोबल अफेयर्स कैनेडा एंड
तो यहाँ पे आपको दिख रहा है दोस्तों, ये वेबसाइट है इसका, ग्लोबल अफेयर कैनेडा, जिसके अंदर आप देख सकते हैं। माई वॉइस इज क्लियर ना राइट नाउ? यस, ओके। तो पब्लिकेशन एंड रिपोर्ट्स है, एक्सपोर्ट कंट्रोल्स है, उसके अलावा ब्रोकरिंग कंट्रोल्स है, इंपोर्ट कंट्रोल्स है, सिस्टम कंट्रोल, प्रोडक्ट्स वगैरह, सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन है। एंड दीज ऑल आर गिवन फॉर द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट कॉमोडिटीज। आप देख सकते हैं, हैंडबुक ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट कॉमोडिटी कोड्स। तो मैंने जो आपको कोड्स के बारे में बातचीत की ना, वो वेबसाइट वो भी है जहाँ पे आपको कोड मिल जाएंगे। एंड दिस इज वॉट द वेबसाइट जहाँ पे आपको इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन समझ में आएंगे। यस, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, ट्रेड एग्रीमेंट। दोस्तों हालांकि राइट नाउ कोई भी ट्रेड एग्रीमेंट हमारा कैनेडा के साथ नहीं है, लेकिन हम एक ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर बहुत प्रिफरेंशियली काम कर रहे हैं, जिसका नाम है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद कैनेडा, CEPA। दोस्तों इसके अंदर ओनली गुड्स नहीं, बट देर आर सेवरल थिंग्स जिसको फोकस किया गया है, खासतौर पे क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स की प्रोडक्ट, टेलीकम्युनिकेशन, कॉमर्स की प्रोडक्ट, सैनिटेरियन, जो फाइटो सैनिटरी मेजर्स होते हैं, यानी कि उनके सर्टिफिकेशंस वगैरह। तो दोस्तों ये 2010 से हमारे ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर बातचीत चल रही है। अलग अलग गवर्नमेंट अपने जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो उसके सामने रखती हैं, एंड देन आफ्टर उनके बीच नेगोशिएशन होता है। तो लास्ट में जो नेगोशिएशन हुआ बहुत रिसेंटली, नवंबर 2020 में, ये देखिए नवंबर 2020 में उनके जो वहाँ के ट्रेड मिनिस्टर्स है वो यहाँ पे आए थे, और उस वक्त उनके साथ हमारी बातचीत हुई थी, और डेफिनेटली उस इश्यूज को वर्कआउट करने के लिए उसके ऊपर मीटिंग्स हुई थी। फाइनली हम अभी समझिए 90-92% तक पहुंच गए हैं। थोड़ा ज्यादा जो भी मतलब अभी नेगोशिएशन बाकी है वो हो जाएगा, तो हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट तैयार होगा कनाडा के साथ। एंड आई एम टेलिंग यू, वंस इट विल डेवलप, कनाडा ऐसा कंट्री है जिनके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप बहुत कम कंट्री के साथ है, तकरीबन मेरे ख्याल से 17 से 18 कंट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो टोटल 238 कंट्रीज है, उसमें से ओनली 70-18 कंट्री, उसमें से इंडिया एक है जिनके साथ उनका बातचीत चल रहा है। नाउ एक बार ये तैयार हो गया तो आई एम टेलिंग यू, देयर विल बी द प्रिफरेबल लिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। जो आप इंडिया से एक्सपोर्ट करेंगे ना, तो उसके ऊपर ड्यूटी जो है वो कम किया जाएगा, और जब वहां से प्रोडक्ट को इंपोर्ट करेंगे तो उस वक्त भी ड्यूटी जो है उसको कम किया जाएगा। तो याद रखिए, ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब होता है कि कोई भी प्रोडक्ट को इंडिया से आप एक्सपोर्ट करें कैनेडा के अंदर, तो कैनेडियन गवर्नमेंट ड्यूटी को कम करती है या तो जीरो कर देती है, यानी कि कंप्लीटली वी कैन से रिमूव। यस, एंड उसी तरह से इंडिया भी प्रिविलेज देता है कुछ प्रोडक्ट को, तो कुछ ऐसे 30-35% प्रोडक्ट होती है जिनके अंदर हमको ये प्रिविलेज मिलता है। इन दैट वे दोस्तों आज जो चाइनीज प्रोडक्ट वहां पे एक्सपोर्ट होती है ना, उसको आप बहुत ही अच्छे से कॉम्पिटिशन दे पाएंगे एंड कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट तैयार कर पाएंगे। हालांकि गवर्नमेंट हमको बहुत सारे एक्सपोर्ट बेनिफिट भी देती है, तो उन सबको मिला के अल्टीमेटली अगर हम प्रोडक्ट का सिलेक्शन करते हैं प्रॉपरली, तो डेफिनेटली हम चाइना को इजिली बीट कर सकते हैं। यस, डेफिनेटली अभी भी हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं विदाउट सेपा, बट सेपा आने के बाद ये अपॉर्चुनिटीज शार्पली बढ़ जाएगी। एंड सो आई एम ऑलवेज प्रीफरिंग दैट कि जितने भी कंट्री हमारे साथ ट्रेड एग्रीमेंट से जुड़े हैं ना, आप उसको फोकस करेंगे तो डेफिनेटली चाइना की तकरीबन, मैं आपको बता दूं, 25% से ज्यादा प्रोडक्ट ऐसी होगी जिसके ऊपर आप वर्कआउट करके चाइना को कॉम्पीट कर सकते हैं। पिछले 10 सालों के अंदर चाइना ने हर एक प्रोडक्ट के अंदर धीरे 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 प्राइस बढ़ाया है बिकॉज ऑफ द ओन कंजम्पशन एंड कॉस्टलियर मूवमेंट ऑफ द गुड्स। यस, तो अभी क्या है, चाइना खुद एक कंजम्पटिव इकोनॉमी तैयार हो रहा है, तो हमारे पास वियतनाम के पास और फिलीपींस के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करके आगे आने वाले टाइम के अंदर इन सारे कंट्रीज को हमारी प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करें। सो जो दिखेगा वो बिकेगा। उसी तरह से दोस्तों लास्ट में मैंने कैनेडा और इंडिया का ज्वाइंट स्टडी रिपोर्ट रखा है, जिसके अंदर आपको ये सेपा के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। ओके, अब हम बात करते हैं दोस्तों कुछ रिसर्च पेपर के ऊपर, जहां से मैंने ये सब स्टडी किया और ये सब इंफॉर्मेशन निकाली है। सो दिस आर द प्रॉपर रिसर्च पेपर, जिसको आप खुद से भी चेक कर सकते हैं और खुद भी स्टडी कर सकते हैं। चैलेंजेस एंड स्ट्रेंथ, दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट एरिया टू बी फोकस। तो चलिए हम बात करते हैं कि इंडिया के लिए चैलेंजेस क्या है एक्सपोर्ट करने में, और हमारी स्ट्रेंथ क्या है जिससे कि हम एक्सपोर्ट कर पाए। यस, सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए ये ना इंडिया का ट्रेड रूट है, इंडिया से कनाडा का, तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट। यू सी, यहां से हम जब एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो इसका डिस्टेंस होता है 8,687 नॉटिकल माइल। यस, अगर 10 नॉट की स्पीड से अगर हम चेक करें, अगर ये शिप की मैं बात करूं, बाई शिप अगर हम भेजते हैं तो 36 डेज लगेंगे गुड्स को एक्सपोर्ट करने में, जबकि
आप अगर चाइना से एक्सपोर्ट करेंगे ना तो ये 42 डेज लगेंगे, ठीक है। तो समझिए ये प्रॉब्लम डिस्टेंस की बदौलत नहीं है, मैंने आपको और सेक्टर और पैरामीटर बताए, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये कंट्री फार अवे है, तो बट ऑब्वियस है आपका प्रिपरेशन और मूवमेंट फास्ट करने के लिए आपको फटाफट जो गुड्स है उसको पैकिंग करके आगे फॉरवर्ड करना होगा, यस, बिकॉज दे हैव टू वेट लॉट्स, या। और इसीलिए देखिए कनाडा का सबसे ज्यादा ट्रेड जो है ना वो यूएसए के साथ और मैक्सिको के साथ है, क्यों? बिकॉज दीज कंट्रीज आर वेरी नियर यानी कि यूएसए तो उसका ये जैसा है हमारा पाकिस्तान है ना वैसे बॉर्डर से जुड़ा हुआ है, यस। और सेकेंड नंबर पे मैक्सिको इज वेरी नियर अबाउट देम, सो डेफिनेटली दे आर एक्सपोर्टिंग लॉट्स, बट वी हैव द स्पेसिफिक कॉमोडिटीज जिसके अंदर उनकी रिक्वायरमेंट है और हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो चैलेंज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है शिपिंग डिस्टेंस फ्रॉम इंडिया, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये एक हमारे लिए चैलेंज है कि इट इज फार अवे, बट धीरे 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 अगर हम चाइना को फोकस करें तो ये समझ सकते हैं कि ये इतना प्रॉब्लम नहीं है, यस। सेकेंड, पोर्ट कनेक्टिविटी, यू सी चाइना के अंदर जिस तरह से पोर्ट कनेक्टिविटी और जो उसका लीड टाइम है एक एक्सपोर्ट ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने में वो हमारा थोड़ा ज्यादा है, और पोर्ट की कनेक्टिविटी उतने जितना साउंड नहीं है, तो बट ऑब्वियस है कि अगर मैंने आज गुड प्रिपेयर कर लिया और मैं आज एक्सपोर्ट करना चाहता हूं तो सामने अगर मेरे पास शिपिंग लाइन ही अवेलेबल नहीं है तो मैं एक्सपोर्ट कैसे करूंगा, यस माय फ्रेंड। तो दिस इज व्हाट द वन वी कैन से चैलेंज, बट यस ये चैलेंज जो है वो हम आउटकम कर सकते हैं, बिकॉज वाई, राइट नाउ वी आर डेवलपिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर और जो पोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटीज है वो अभी बहुत शार्पली इसके ऊपर काम कर रही है, तो 24/7 अभी तो पूरा कस्टम क्लियरेंस वगैरह सब चालू बहुत सालों से कर दिया, आई थिंक 2 to 3 years, तो डेफिनेटली आगे के टाइम में हमारे जो मेन 12-18 पोर्ट है ना वो 24/7 चालू रहेंगे, तो डेफिनेटली हमारा गुड मूवमेंट भी फास्ट होगा। कैनेडियन कॉम्प्लायंसिस इज वन ऑफ द चैलेंज, बट ये चैलेंज ऐसा है जिनको स्टडी करके आप डेफिनेटली पास कर सकते हैं, तो ये कोई चैलेंज नहीं है मेरे ख्याल से, ये एक स्टडी है कैनेडियन कॉम्प्लायंसिस। सेकेंड वन इज द इम्पोर्ट टैरिफ, दिस वन वुड बी द चैलेंज, बिकॉज देखिए वहां उनके कंट्री में इंपोर्ट तो आप उनको प्रोडक्ट करते हैं, लेकिन अगर उसका ड्यूटी डबल होगा या तो मान लीजिए ज्यादा होगा तो बट ऑब्वियस है इट विल बी मोर कॉस्टलियर। मान लीजिए मेरा कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए ये पेन मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ये पेन का जो बेसिक प्राइस है वो तो 2 रुपया है, लेकिन उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी 200% है तो ऑटोमेटिकली 6 रुपए का हो जाएगा, आई एम जस्ट गिविंग द एग्जाम्पल, यस, तो इट वुड बी द मोर कॉस्टलियर, इन दैट वे वी कैन से चैलेंजेस हो सकता है, बट यस स्टडी करके आप उसको भी कहीं ना कहीं ओवरकम कर सकते हैं। देन प्रोडक्ट पैकेजिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑलवेज अंडरस्टैंड जो पैसा खर्च करता है ना उसको पैकेजिंग अच्छा चाहिए, रद्दी क्वालिटी का पैकेजिंग आप उसको नहीं बेच सकते, हाँ रद्दी क्वालिटी भी बेचिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके लिए मार्केट अफ्रीकन कंट्रीज है, बांग्लादेश है, नेपाल है, बर्मा है, ऐसे सब कंट्री है हमारे आजू बाजू, एंड देर आर सेवरल अदर्स पाकिस्तान वगैरह सब, बट वेन यू आर फोकसिंग टू द डेवलप कंट्री माई फ्रेंड्स पैकेजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो रिमेंबर माई वर्ड्स, जितना अच्छा एंड प्रिफरेंशियल पैकेजिंग होगा ना उतने अच्छे से वो प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। आप खुद सोचिए जब आप पैसा कमाना चालू करते हैं और आपका जब मंथली इनकम 1 लाख रुपए से ऊपर जाता है और आप लोकल मार्केट से कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं तो क्या आप ऐसे ही कोई रद्दी क्वालिटी वाली प्रोडक्ट जो होगी उसको सिलेक्ट कर लेंगे? यू ही डेफिनेटली आप कंपेयर करेंगे कि उसमें अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट जिसका पैकेजिंग अच्छा, और कि ये साइकोलॉजिकल भी है ना कि जिसका पैकेजिंग अच्छा होगा वो डेफिनेटली प्रोडक्ट भी अच्छा होगा। तो दोस्तों पैकेजिंग के अंदर इंडियन इंडस्ट्रीज इतना फोकस नहीं करती थी, हालांकि पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि हमारा इंडियन प्रोडक्ट का पैकेजिंग भी बहुत सुपीरियर आता है, तो मैं ये इंसिस्ट करना चाहूंगा कि अलग अलग इंडस्ट्रीज जब पैकेजिंग को फोकस करना चालू करेगी तो डेफिनेटली हमारे लिए ये चैलेंज जो है वो ओवरकम होगा एंड वी विल बी द गुड एक्सपोर्टर इन द कैनेडियन मार्केट। या एब्सेंस ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट, हालांकि अभी कोई ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है तो हम उसका बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन यस सेपा जैसे ही चालू हो जाएगा वी विल गेट द लॉट्स ऑफ बेनिफिट। Inadequate knowledge of export procedure, this one is the very important. दोस्तों लोगों को export के regarding जो procedure है ना इसका knowledge नहीं होता है, उसके compliances या तो उसके जो basic terms है इसका पता नहीं होता है और इसके लिए ज्यादातर लोग फंसते हैं। बाकी अगर आपके पास पूरा knowledge है और आप काम कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसमें फंसने का कोई chance है, because आपका study proper होगा, time लेगा but proper study होगा तो definitely Canada would be the greatest market for you and initial phase पे आपको compliance challenges आ सकते हैं, बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ये चैलेंजेस ओवरकम होते जाएंगे एंड आप एक मार्केट को खाली फोकस करें, खाली कनाडा को, एंड यू विल गोइंग टू डू अ वेरी प्रॉपर एंड वेरी गुड बिजनेस इनसाइड। तो ऐसा नहीं है कि दुनिया के 50-100 कंट्री को हम सिलेक्ट करना और एक्सपोर्ट करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू कैन सिलेक्ट ओनली वन मार्केट बट प्रॉपर स्टडी करिए, पूरा डेप्थ के अंदर जाइए और जब आप सारी चीज़ों को समझेंगे तो डेफिनेटली उसके रिगार्डिंग आप इन्फॉर्मेशन लेके आगे बढ़ पाएंगे।
एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, लैक ऑफ रिसर्च. यू सी, चाइना आज दुनिया के हर एक कंट्री में एक्सपोर्ट करता है, उसका अगर सबसे बड़ा कोई रीजन है ना, तो ये एक ही है कि इनका रिसर्च इतना ब्यूटीफुल होता है. आप सोचिए, आपके कंट्री में कोई सेक्टर शायद मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा जहां पे चाइनीज प्रोडक्ट का इन्फ्लुएंस नहीं होगा. यानी कि हमारे कंट्री में, इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, नो वन सेक्टर. और ऐसा नहीं कि खाली इंडिया में, आप दुनिया के कोई भी कंट्री में चले जाइए दोस्तों, वो प्रोडक्ट के कॉम्प्लायंसेस को इस तरह से डेवलप करते हैं और प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसको इस तरह से डेवलप करते हैं, जैसा कंट्री वैसा प्रोडक्ट. इसीलिए हम इंडिया में बोलते हैं ना, चला तो चांद तक वरना रात तक. तो मतलब वो हमको ऐसी क्वालिटी देते हैं जो चली तो चली, नहीं तो गई. लेकिन वो जब कनाडा को एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो वो उसको सुपीरियर क्वालिटी देते हैं. सो रिमेंबर माय वर्ड्स दोस्तों, क्वालिटी इन्फीरियर हो, मीडियोकर हो या सुपीरियर हो, फर्क इससे नहीं पड़ता. फर्क ये पड़ता है कि आप कौन से मार्केट को क्या प्रोडक्ट दे रहे हो. बाकी चलता सब है, आप कुछ भी बनाइए, रद्दी क्वालिटी बना के बेचिए, उसके भी मार्केट्स है. यू कैन सिलेक्ट दोज मार्केट्स. बट वेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कैनेडा, प्लीज डू द प्रॉपर स्टडी, बिकॉज यहाँ पे कुछ भी बिकता है तो डेफिनेटली उसका जो परचेजर है वो कुछ क्वालिटी या तो कुछ फंडामेंटल जो चेकिंग है ना, वो डेफिनेटली करता है. और इसलिए मैंने आपको लेबलिंग और पैकेजिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया. गॉट इट? सो इन बातों को जब आप फोकस करते हैं और आपका रिसर्च जब प्रॉपर होता है, टेक द टाइम, डू द स्टडी प्रॉपर माय फ्रेंड्स, डू नॉट बी हरी. आई एम टेलिंग यू, आप मतलब इतना इम्पेशेंट ना हो जाइए, आप थोड़ा पेशेंट होकर काम करिए. आई एम टेलिंग यू, इसलिए मैं बता रहा हूँ, एक मार्केट भले आप फोकस करें, ये एक मार्केट के अंदर भी आप बहुत अच्छा और ब्यूटीफुल काम कर सकते हैं, अगर आपने प्रॉपरली मार्केट को टैप किया, उसके रिगार्डिंग स्टडी किया और प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो भी मार्केटिंग है उसके रिगार्डिंग आपका वर्कआउट हुआ. गॉट इट? चलिए आगे बात करते हैं स्ट्रेंथ के बारे में. तो जैसे चैलेंजेस है वैसे स्ट्रेंथ भी है हमारे पास. सबसे पहला इंडियन कम्युनिटी, इससे बड़ा स्ट्रेंथ क्या हो सकता है? यूसी, लोग बोलते हैं हमारे रिलेटिव्स नहीं है यहाँ पे, तो आपको मतलब चप्पे चप्पे पे शायद रिलेटिव्स कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा. यस, तो इंडियन कम्युनिटी, 18 लाख इंडियंस आर लिविंग इन कनाडा. एंड आप देख सकते हैं कि एवरी ईयर इंडिया से तकरीबन 20,000 to 30,000 स्टूडेंट्स एंड माइग्रेंट्स यहाँ से जाते हैं. तो आने वाले टाइम में आप समझ के रखिए कि इंडियन कम्युनिटी जो है ना, इट विल बी द लार्जेस्ट कम्युनिटी इन कनाडा. आई एम टेलिंग यू, बाकी और से मेरे ख्याल से शायद अगर आज की हम बात करें ना, तो वी आर द सेकेंड या तो थर्ड लार्जेस्ट कम्युनिटी इंडियंस. यस, कोई भी ऐसा सिटी नहीं है जहाँ पे इंडियंस अवेलेबल नहीं होंगे, और आपको बहुत बहुत इजीली इंडियंस मिल जाते हैं. तो वी कैन गेट द बेनिफिट्स ऑफ दिस एंड वी हैव टू टेक द बेनिफिट्स ऑफ इट. यस, और पंजाबी कम्युनिटी तो इतना है कि इवन पंजाबी कम्युनिटी का खुद का भी वहां पे बिजनेस डायरेक्टरी एंड बिजनेस के काउंसिल चलते हैं. यस, तो डेफिनेटली वी हैव द वेरी गुड पोटेंशियल इन साइड द इंडियंस इन साइड कैनेडा. ओके, सेकेंड इज द इंडियन प्रोडक्ट स्टोर्स. डेफिनेटली हर एक स्टेट के अंदर, हर एक सिटी के अंदर आपको इंडियन प्रोडक्ट, जो स्पेसिफिकली इंडियन प्रोडक्ट बेचते हैं, उनके स्टोर्स भी मिल जाएंगे. तो आप अगर अपना आपका कोई भी प्रोडक्ट उनके थ्रू बेचना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट. मैं बात कर रहा हूँ जनरल प्रोडक्ट की, जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट होती है या तो जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होती है. इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए भी देर आर सेवरल इंडस्ट्रीज जो इंडियंस द्वारा चला रहे, या तो वहाँ पे इंडियन जो है वो परचेस डिपार्टमेंट में है. तो डेफिनेटली थोड़ा रिसर्च और प्रॉपरली उसके बारे में 360 डिग्री स्टडी करेंगे तो विल फाइंड आउट दैट काइंड ऑफ द इंडस्ट्रीज जहाँ पे अपना रॉ मटेरियल वगैरह सब भी सेमी फिनिश गुड भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं. वर्चुअल ट्रेड फेयर, दिस वन इज द बिग एंड फोकस्ड एरिया फॉर द इंडियन एक्सपोर्टर. आप समझ सकते हैं कि पैंडेमिक के बाद ऑलमोस्ट जितने भी इवेंट्स है वो वर्चुअल अभी हो रही है. तो इवन इंडिया और कैनेडा के जो अलग अलग बिजनेस कम्युनिटी है उनके द्वारा भी जो अलग अलग मीटिंग्स की जाती है वो भी वर्चुअल होती है. तो यू कैन ज्वाइन दोज मीटिंग्स और इसका इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा फीओ की ओर से, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, या तो इंडो कैनेडा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से. उसके अलावा देर आर सेवरल अदर ओपन रिसोर्सेज, DGFT वगैरह, जहां से भी आप ये इन्फॉर्मेशन ले पाएंगे. तो उनके रिगार्डिंग जो ट्रेड फेयर वगैरह आते हैं, जो स्पेसिफिक कैनेडा के अंदर ट्रेड फेयर आते हैं, आप उसको वर्चुअल भी कनेक्ट कर सकते हैं. ट्रेड फेयर के लिए एक और वेबसाइट में भी आपको दिखाता हूँ, सॉरी मैं आपको बताता हूँ. इट इज 10times.com, 10times, 10times.com, जिसके ऊपर आप वर्ल्ड वाइड अलग अलग कंट्री के ट्रेड फेयर फाइंड आउट कर पाएंगे. एंड डेफिनेटली उन ट्रेड फेयर में से आप जो भी कैनेडा के ट्रेड फेयर है उसको फोकस कर सकते हैं और वर्चुअली उसमें पार्टिसिपेट होकर दोस्तों अपनी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. तो दिस वन इज द टू ब्यूटीफुल एरिया. पैंडेमिक का ये बड़ा फायदा हुआ कि आप दुनिया के कोई भी कॉर्नर में बैठे बैठे कोई भी दुनिया का वी कैन से प्रोडक्ट जो है या तो उसका जो ट्रेड फेयर है उसको विजिट कर सकते हैं. अपॉर्चुनिटीज इन ई कॉमर्स बिजनेस, दिस वन इज द फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड. आई एम टेलिंग यू, रिमेंबर माई वर्ड्स, दिस वन इज द फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड. दोस्तों आज ई कॉमर्स बिजनेस इतना बूमिंग पे है कि आने वाले 10 सालों के अंदर
रिटेल बिजनेस जो है वो 70% हो जाएगा और 30% आपका ई कॉमर्स हो जाएगा। तो आई एम टेलिंग यू, इवन फूड प्रोडक्ट के अलावा शायद जो रिटेल बिजनेस है ना, रिटेल शॉप्स, ये आपको शटर बंद दिखेंगे, बिकॉज राइट नाउ पीपल्स आर परचेजिंग द प्रोडक्ट मेनली फ्रॉम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। या एंड यू ऑल आर नोइंग दैट कि अमेजोन और ईबे जैसी कंपनियां आज पूरे दुनिया के अंदर अपने ओपन स्टोर करके बैठी हुई है ऑनलाइन। तो ये बहुत ही परफेक्ट टाइम है कि आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रांसफर हो जाइए और अपनी प्रोडक्ट को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लाना चालू करिए। आई एम टेलिंग यू देयर आर द सेवरल बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। सबसे पहला तो ये कि जितनी क्वांटिटी में बेचना चाहे ना उतना बेच सकते हैं, इसके लिए पूरा कंटेनर भेजने की जरूरत नहीं है। सेकेंड नंबर पे आता है, जितनी क्वांटिटी में बंदा परचेस करना चाहे उतना वो कर पाएगा, उसके लिए उसको बल्क क्वांटिटी में लेने की जरूरत नहीं है। थर्ड नंबर इज दैट इसके रिगार्डिंग अलग अलग कंट्रीज के अंदर उनके वेयरहाउसेस भी हैं, तो स्मॉल क्वांटिटी आप वेयरहाउस में रख दीजिए, जब ऑर्डर आएगा तो वो वहीं से डिस्पैच कर देंगे। फोर्थ नंबर इज दैट इंटरनेट कनेक्शन स्पीडीली अवेलेबल वर्ल्ड वाइड, एंड सो ई कॉमर्स इज एक्सेप्टिंग फास्टेस्ट। तो लोग ई कॉमर्स बहुत फास्टेस्ट मोमेंट में एक्सेप्ट कर रहे हैं और इसकी बदौलत ऑनलाइन परचेजिंग जो है वो भी दिन ब दिन बढ़ रहा है। यस, एंड द फिफ्थ एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दोस्तों, इसमें कॉम्प्लायंस का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। व्हेन यू आर एक्सपोर्टिंग 2 पीस 5 पीस 10 पीस देयर इज नो कॉम्प्लायंस। जब आप बल्क में एक्सपोर्ट करते हैं तो कॉम्प्लायंस आते हैं। हाँ, ड्रग्स वगैरह में कॉम्प्लायंस है, मेडिकल प्रोडक्ट जो होती है, मेडिसिन प्रोडक्ट्स प्रॉपरली, उसमें कॉम्प्लायंस हो सकते हैं। अदर देन दैट जनरल प्रोडक्ट में कोई कॉम्प्लायंस नहीं है, आप बिंदास बेचिए। यस, तो दीज आर सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स टू बी फोकस्ड जो ई कॉमर्स के रिगार्डिंग है। एंड सो आई एम इंसिस्टिंग दैट कि प्लीज आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को वर्ल्ड वाइड फोकस करिए, एक्सपोर्ट के लिए भी खास, क्योंकि यहीं से आपको ना बड़े इंपोर्टर्स भी मिलेंगे जो लार्ज क्वांटिटी में इंपोर्ट करेंगे। बिकॉज आज देखिए, किसी को कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करना हो तो वो भी चाहेगा ना कि भाई हम पहले इस प्रोडक्ट का टेस्टिंग करें। तो मार्केट के अंदर कम क्वांटिटी में प्रोडक्ट लाना हो तो उसके लिए उनके पास भी ये अच्छा ऑप्शन है कि वो पहले ई कॉमर्स से मंगवा ले और बाद में अगर उसको अच्छा लगता है मार्केट के अंदर तो बल्क क्वांटिटी में इंपोर्ट करें। तो ये हमारे पास एक अच्छा रास्ता है लोगों तक तो प्रोडक्ट को पहुंचाने का, एंड वी हैव टू यूज दैट। या दूसरा दोस्तों, अगर मैं मार्केटिंग की बात करूं तो आज के टाइम में सोशल मीडिया मार्केटिंग इज द बिगेस्ट एम्यूनेशन विद अस। सो जितना आप प्रॉपरली उसको यूज करेंगे उतना अच्छे से आप फ्यूचर के अंदर अपना बिजनेस एक्सपांड कर पाएंगे। तो जितना आप ट्रेडिशनल बिजनेस से उठ के एडवांस लेवल पर जाएंगे उतना अच्छे से काम कर पाएंगे। तो यू हैव टू मूव नाउ, बिकॉज यू सी, आप देखिए आने वाले 5 से 7 सालों के अंदर आपको टीवी एड, फिर ये न्यूज़पेपर एड, या तो जो रेडियो एड, ये सब बंद हो जाएगा ऑलमोस्ट। यू नॉट फाइंड आउट दोज वाई, बिकॉज आज आप देखिए, आप कोई भी गूगल के ऊपर जाके सर्च आउट करिए, कोई भी जनरल सर्च आउट भी करिए, ठीक है, एंड यू विल फाइंड आउट दैट कि आप दूसरी कोई भी वेबसाइट को जब चेक करेंगे ना, तो उसके आजू बाजू ऊपर नीचे सब जगह पे ना आपको आपकी रिसर्च प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आपको वहां पे एड दिखने को मिलेगी। तो अभी पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फोकस कर रही है, एंड ये आपके इंटरेस्ट को देखता है, आपकी जो परचेस पैटर्न है उसको देखता है, और उस हिसाब से आपको रिप्रेजेंटेशन करता है प्रोडक्ट का। तो दोस्तों, ये गूगल एडवर्ड्स और उसके अलावा ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, बहुत चीप रेट के अंदर आपको मार्केटिंग करके देते हैं। इसका जितना ब्यूटीफुली आप यूज कर सकते हैं डेफिनेटली आप यूज करें। इसके ट्यूटोरियल जो है वो ऑनलाइन भी अवेलेबल यूट्यूब पे। तो आई एम ऑलवेज कंसिडरिंग और इंसिस्टिंग दैट कि प्लीज कम ऑनलाइन नाउ एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को आप यूज करें। जब मैं बायर्स की बात करता हूँ ना, तो लोग को हमेशा ये ही मतलब दिमाग में आता है कि हमको कोई बायर का लिस्ट दे देना तो हम सीधा काम करें। आई एम टेलिंग यू, आई एम गिविंग यू द लिस्ट, आप नहीं कर पाएंगे काम, फिर भी मैं आपको दे देता हूं लिस्ट, आपसे नहीं होगा काम। आई एम टेलिंग यू, बायर के लिस्ट से दोस्तों काम नहीं होता। अब बात को समझिए, काम तब होता है जब आप बायर की मानसिकता को समझे, आप बायर की रिक्वायरमेंट को समझे और आपकी प्रोडक्ट की कैटेगरी को समझे। तो डू नॉट आस्क फॉर द कंप्लीट लिस्ट ऑफ बायर्स, इससे कोई काम नहीं होता है। आई एम टेलिंग यू, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में बोल रहा हूं आपको, आप मेरी बात को समझिए। बायर क्या होता है, बायर को समझना होता है। कोई भी बंदा आपकी दुकान पे क्यों आता है, जब आपकी दुकान के आजू बाजू या तो ऊपर नीचे कुछ ऐसा होर्डिंग होगा जिससे कि समझ में आएगा कि ये बंदा ये बेच रहा है, आपका रिप्रेजेंटेशन होगा, तब बायर आएगा ना। अब सीधी सी बात है कि दुकान आप खोल दीजिए और विदाउट बोर्ड आप उसको चलाना चालू करिए, कितने परसेंट बायर आएंगे आपके पास? हम इसी बात को नहीं समझते। आप समझिए कि बायर वो होता है जो आपकी प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्टेड होता है।
अभी हम क्या सोचते हैं कि दुनिया भर के ईमेल एड्रेस जो इंडियन नहीं है ना, वो सारे ईमेल एड्रेस इकट्ठा कर लीजिए और सबको मेल डाल दीजिए हमारी प्रोडक्ट का, जिसको चाहिए होगा वो आएगा, कॉन्टेक्ट करेगा, और फिर हो जाते हैं फेल और फिर बोलते हैं एक्सपोर्ट बहुत टफ है यार, ये नहीं हो सकता। पर हुआ क्या, आप काम कर रहे मेडिकल प्रोडक्ट में और आपने कनेक्ट किया एक शाकभाजी वेंडर को, अभी मेल उसके पास पहुंचा, वो मेल को ओपन करके क्या देखेगा उसमें? ये तो ऐसी बात हो गई ना जो मैं हर बार बताता हूं कि आप एक मतलब स्टेशनरी की शॉप पे जाते हैं और उनको बोलते हैं भाई 2 किलो पोटेटो दे दीजिए, हाउ कैन यू गेट द बायर? सो अंडरस्टैंड माय फ्रेंड, दिस इज द प्रोसीजर, मींस यू टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द बायर, द डोमेन ऑफ द बायर, एंड देन यू कैन मूव फर्दर। देन आफ्टर सेपा फ्रेटेड एग्रीमेंट, जब ये तैयार हो जाएगा तो बट ऑब्वियस हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज और बेहतरीन तरीके से ओपन हो जाएगी, और मुझे लगता है 2021 खत्म होने तक ये क्लियर आउट हो जाएगा। एंड कैनेडा इज अ गेट वे फॉर द यूएस मार्केट, ना दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस जो मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर यूएस के 35 करोड़ के मार्केट को अगर आप टैप करना चाहते हैं कोई भी प्रोडक्ट के लिए जो डायरेक्टली वहाँ पे इम्पोर्ट नहीं हो सकती है, या तो कॉम्प्लायंस आपके क्लियर नहीं है, तो आई एम टेलिंग यू कैनेडा इज द वेरी यूज वे टू एंटर इन टू द यूएस, बिकॉज ये दोनों कंट्री इतने लिबरल है कि आप प्रोडक्ट का आवागमन बहुत ईजिली कर सकते हैं। इवन कैन इन वी कैन से अमेरिका इज नॉट फोकसिंग दैट मच कॉम्प्लायंसेस व्हेन प्रोडक्ट कम फ्रॉम कैनेडा। तो जब आप यहां से कैनेडा एक्सपोर्ट करेंगे और कैनेडा से अगर प्रोडक्ट यूएस में जाएगा तो इट विल बी मूव इजीली। और आई एम टेलिंग यू देर आर सेवरल कंपनीज जो आज यूएसए के अंदर है तो कैनेडा के अंदर है, जो इंडिया से इंपोर्ट करते हैं और अपने आजू बाजू के 30-35 कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं। गॉट इट? सो डेफिनेटली व्हेन यू आर फोकसिंग ऑन दैट, जब आप उसके ऊपर फोकस करेंगे तो आपको ये रिसर्च और स्टडी में मिलेगा, और इसीलिए बी पेशेंट और स्टडी प्रॉपर करिए, यू विल फाइंड आउट लॉट्स ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट वन दोस्तों, जैसे आज हमने ये वेबिनार लिया है अपॉर्चुनिटीज इन कैनेडा, वैसे ही 15 मई को हमने एक वेबिनार रखा है अपॉर्चुनिटीज इन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस। जैसे आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन कौन सी ऐसी चीजें जिसको समझना जरूरी है, तो उनके लिए हमने एक वेबिनार रखा हुआ है, तो यू कैन ज्वाइन दैट पर्टिकुलर वेबिनार ऑल्सो। एंड उसके अलावा ये हमारा यूट्यूब चैनल है भारत उड़ान मिशन करके, तो आप यूट्यूब चैनल पे जाके हमारे और भी कुछ वेबिनार्स है, चाइना के ऊपर हमने एक वेबिनार लिया था, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी मोजाम्बिक के ऊपर, एफटीए क्या होता है, तो देर आर सेवरल वेबिनार्स अवेलेबल, तो आप उसको चेक कर सकते हैं और बहुत सारा वैल्यू एडिशन भी आप ले पाएंगे। तो ऐसे फ्रूटफुल वेबिनार लेके हम फ्यूचर में भी आएंगे, एंड डेफिनेटली यू विल गेट लॉट्स ऑफ आइडिया अबाउट दैट। ये वेबिनार की दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये कल दोपहर तक यूट्यूब पे आ जाएगा, और यूट्यूब पे हम इसका एक पीडीएफ जो उसका लिंक भी रख देंगे, तो यू कैन डाउनलोड दैट पर्टिकुलर लिंक, और यहाँ पे जितनी भी मैंने वेबसाइट वगैरह सब दिया आप उसको क्लिक भी कर सकेंगे, तो डेफिनेटली जो डिटेल्स है वो आपको मिल जाएगी, आप उसके लिए यूट्यूब चैनल पर जाके उसको चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों दिस इज व्हाट द थिंग्स आई वांट टू शेयर विथ यू टुडे, एंड जितनी भी चीज़ों के बारे में आज हमने बातचीत की है, आई होप दैट कि जो 2 आवर आई थिंक 1.5 आवर मैंने बोला था, लेकिन 2 आवर ऑलमोस्ट हमने ले लिए हैं, तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट फर्स्ट, बट आई होप दैट कि यू आर द एंजॉय द सेशन थरली, एंड बहुत सारी चीज़ों को आपने वैल्यू एड किया होगा। यस, बट यस आई एम टेलिंग यू माई फ्रेंड्स, कैनेडा इज द वेरी यूज मार्केट फॉर अस, वेरी पोटेंशियल मार्केट फॉर द फ्यूचर ग्रोथ, एंड सबसे बड़ी बात ये इजी टू एक्सप्लोर है, बिकॉज वी हैव द लॉट्स ऑफ इंडियन देयर। बस आप एक बात समझ के रखिए, जितने लोग यहाँ से वहां पे पढ़ने के लिए गए हैं ना, आई एम सॉरी बिफोर आई एम सेइंग समथिंग, जो इंडियन कैनेडियंस अगर कोई जुड़े हुए हैं कैनेडा से, तो बट ये सारे वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं, एंड डेफिनेटली वो चाहते हैं कि कोई ऐसा बंदा हमको मिले जो कुछ फूड मतलब स्पून फीडिंग करे। सो आई टोल्ड यू अर्लियर दैट कि आप उनको ये समझाइए कि स्टार्टअप कैसे होगा, बिकॉज दे आर नॉट नोइंग, दे वॉन्ट टू स्टार्ट इट, एंड आई एम टेलिंग यू दैट मेरे पास बहुत सारे लोगों की इंक्वायरी इसके बारे में आती है, बट आप समझ सकते हैं कि सबको हम इसके रिगार्डिंग मतलब क्या है कि इंफॉर्मेशन नहीं दे पाते बिकॉज ऑफ द टाइम लिमिट एंड एटसेट्रा। तो आप अगर प्रॉपरली इस मार्केट को टैप करना चाहते हैं तो वहां से जो बंदा आपके साथ कनेक्ट होता है आप उनको स्पून फीडिंग करिए, एक 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 चीजों को धीरे धीरे समझाइए, बिकॉज क्या है कि 2-5 दिन में आप इसको समझा नहीं पाएंगे, तो उसका इंटरेस्ट जो है ना उसको डेवलप करना भी बहुत जरूरी है। यस, एंड आप सब जानते हैं अगर वो बंदा वहां पे कोई ऐसी जॉब के अंदर है जो पिज्जा डिलीवरी करता है, या तो मान लीजिए कि अगर वो कोई जनरल काम करते हैं जैसे कि
गैराज के अंदर काम करना, कोई इन्वेंटरी के अंदर, शॉप इन्वेंटरी में काम करना, मॉल के अंदर काम करना, दे वॉन्ट टू स्टार्ट समथिंग। तो इंडियंस होगा तो उसको क्या है, कहीं ना कहीं वो अंदर से ऐसा तिलमिलाट तो होता ही है कि कुछ चालू करे अपना वाला। यस, एंड इसका प्रॉपरली बेनिफिट जो है वो हम बिल्कुल उठा सकते हैं। ओके, आई नो दैट यू हैव द लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, बट आई एम वेरी 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 सॉरी बिकॉज ये सेमिनार कंप्लीट करते करते 11 बज गए हैं एंड आई एम नॉट एबल टू टेक मोर क्वेश्चन। सो आई एम रिक्वेस्टिंग एवरी वन, प्लीज आप मुझे पर्सनली कनेक्ट करिए फॉर एनी काइंड ऑफ द क्वेश्चन। आई विल श्योरली गिव यू फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। मैं, मेरा नंबर जो है वो यहाँ पे मैं मैसेज के अंदर डाल देता हूँ, एंड भारत उड़ान मिशन हमारी चैनल का नाम है, तो डेफिनेटली आप उनको भी, ये मैंने नंबर डाल दिया है और मैंने चैनल का नाम भी डाल दिया। ये हमारी एक फर्म है जिसके थ्रू हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जो इंफॉर्मेशन है उसको लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। सो गाइस, दिस इज व्हाट अबाउट द कनाडा, एंड डेफिनेटली जो मैंने मेहनत की है कहीं ना कहीं वो आपको बिल्कुल काम में आएगी, बट इसको और भी डिटेल में जाके चेक करिएगा। आई एम 100% गारंटी यू और एश्योरिंग यू दैट कि यू विल डेफिनेटली फाइंड आउट द वेरी गुड बिजनेस इन कैनेडा इन फ्यूचर। या थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली टिल द टाइम, एंड सॉरी फॉर टेकिंग योर मच टाइम। मिलते हैं वंस अगेन अगले कुछ नए टॉपिक के साथ आगे के टाइम में। तब तक के लिए बी सेफ फ्रॉम दिस पेंडेमिक एंड हैव अ ग्रेट नाइट अहेड। बाय बाय, सी यू।